चैप्टर का नाम बताओ, क्या लिखा है? बताओ। इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। क्या मैं इसे आईसीडीआर बोल सकती हूँ? क्या आप भी मेरे लिए इसे आईसीडीआर बोलेंगे? सेबी के आईसीडीआर के रेगुलेशन सही। आईसीडीआर मतलब सेबी साफ साफ बोलता है, जो भी कंपनी आईपीओ लेकर आएगी, जो भी कंपनी क्या लेकर आएगी, आईपीओ, तो उस कंपनी को ये रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। चलिए फुल फॉर्म, इश्यू ऑफ द कैपिटल। इश्यू ऑफ द कैपिटल, जब आप कैपिटल को इश्यू करते हो तो उस टाइम पर बहुत सारी डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट है। हम चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। जब भी कंपनी आईपीओ लेकर आएगी तो हम क्या चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। तो प्लीज जितने भी डिस्क्लोजर्स हैं वो सब आप फुलफिल करेंगे, अदरवाइज क्या होगा बच्चा, पेनल्टी। ठीक है, हर जगह पे लिखा है ये करना ये करना ये करना, नहीं करोगे तो साफ साफ पे पेनल्टी लग जाएंगे। तो चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जब भी चैप्टर स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बताता है कि इस चैप्टर में कौन से रूल्स रेगुलेशंस पढ़ने वाले हैं। उसका नाम नाम क्या लिखा है, सेबी के आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। ठीक है, जिसको शॉर्टकट में मैंने क्या बोला, सेबी के आईसीडीआर। ठीक है, 2018 में आया था, इसीलिए इसका नाम सेबी आईसीडीआर 2018 है। चलिए इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं, सभी उधर की बातें, सीधा आ जाओ टाइप्स ऑफ इशू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आओ, आपकी बुक में जो प्रेजेंटेशन है वो सर्कल दे रखा है, पहले इसे समझो, अपने आप वो सर्कल समझ में आ जाएगा। क्या है हेडिंग, क्या है टाइप्स ऑफ इशू। इशू के टाइप्स है, सबसे पहला टाइप क्या है, पब्लिक इशू। पब्लिक इशू मतलब जो जनता को इशू कर रहे हैं। ठीक है, राइट इशू क्या हो गया, एग्जिस्टिंग शोल्डर्स को करते हैं। ठीक है, मैं एक लिस्टेड कंपनी की बात करूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक लिस्टेड कंपनी। एक लिस्टेड कंपनी क्या लेके आ रही है, आईपीओ। रिलायंस कंपनी, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, ये सब आईपीओ लेकर आ रहे हैं। अगर ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं तो इनके पास टाइप ऑफ इश्यूज है, वो चाहे तो किसी भी तरीके से मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। पहला तरीका क्या है, जनता से पैसे ले लो, बदले में क्या दे दो, शेयर सर्टिफिकेट। या तो किससे पैसा उठाओ, एग्जिस्टिंग शोल्डर, तुम सब मेरी कंपनी के शोल्डर हो, पहले पैसे दे चुके, मैं तुम्हें शेयर सर्टिफिकेट दे चुकी हूँ, वापस से मुझे पैसे की जरूरत पड़ रही है। मुझे लग रहा है भाई जनता में जाकर क्यों इतना नाटक करूँ, फॉर्मेलिटीज होती है। सबसे ज्यादा रूल्स रेगुलेशन, सबसे ज्यादा कंप्लायंसेस किसमें लगते हैं, जनता से लेने में। ठीक है, तो भैया हम क्या करेंगे, राइट इशू, एग्जिस्टिंग शोल्डर, जिन शोल्डर ने हम पे भरोसा दिखाया तो चलो उनको ही मौका दें उनकी शेयरहोल्डिंग इंक्रीज करने का। पहले आपका 5% था और आपने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो 2% और बढ़ गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, बात समझ में आ रही है। तो एग्जिस्टिंग शोल्डर से पैसा ले लिया। नेक्स्ट क्या है, बोनस इशू। फिर क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट। ऐसे टाइप ऑफ इश्यूज है। बोनस इशू क्या है, बोनस इशू मार्केट से पैसा नहीं उठा रहे, हमारे पास आप ही का पैसा रखा है। बोनस इशू किसको किया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर। बोनस इशू किसको दिया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर। अब ये बोनस इशू होता है क्या, थोड़ा सा समझो। पब्लिक इशू समझ में आ गया, राइट इशू समझ में आ गया, अब मैं आपको क्या समझा रही हूँ, बोनस। ठीक है, बोनस इशू क्या होता है समझना। आप सबने मेरी कंपनी में पैसा लगाया, इक्विटी लगाया। ठीक है, तुम लोग मेरी कंपनी के क्या हो, शेयर होल्डर हो। मेरी कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट मुझे तुम्हें डिविडेंड के फॉर्म में देना है। तो अगर मैं आपको ये डिविडेंड के फॉर्म में दूंगी तो क्या दे दूंगी, कैश। मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें ये पैसा देना, मैं देना नहीं चाहती तुम्हें ये पैसा। कोई नया प्रोजेक्ट भी नहीं है जिसमें मुझे पैसा लगाना है, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मैं तुम्हें बोनस शेयर इशू कर रही हूँ। बोनस शेयर दिखने में होते फ्री ऑफ कॉस्ट, बोनस शेयर दिखने में क्या होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने आपको बोनस शेयर्स दिए, आपसे बदले में पैसा नहीं लिया। मार्केट में तो दिखता यही है लेकिन ये धोखा है। होता क्या है, आप ही का पैसा जो मेरे पास प्रॉफिट में रखा है, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में प्रॉफिट में रखा है, कायदे से मुझे वो आपको डिविडेंड के फॉर्म में देना चाहिए था, मैंने डिविडेंड नहीं दिया। मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोनस शेयर इशू किया, बदले में पैसा मैंने कहाँ से निकाल लिया, आपके प्रॉफिट से निकाल दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो दिखने में क्या लग रहा है, तुम लोग को क्या लगा, वाह हमारे पहले 10,000 की शेयर होल्डिंग थी, अब 15,000 की शेयर होल्डिंग है, 5,000 हमें बोनस मिले, और तुम बहुत दिलेरी से पूरे जमाने को बता रहे हो कि वाह हमारी कंपनी कितनी अच्छी है कि उसने क्या किया, बोनस शेयर दिया और हमसे पैसे भी नहीं लिए, हमारी शेयर होल्डिंग बढ़ा दी। लेकिन एक्चुअल में
अगर कंपनी के साइड से देखो तो कंपनी ने क्या किया, आपको आपका जो प्रॉफिट डिविडेंड फॉर्म में मिलना चाहिए था वो पलटा कर खुद ही को दे दिया, अब उसे कभी भी आपको देने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? प्रॉफिट दिखता रहता है, अगर आपने किसी नए प्रोजेक्ट में लगा दिया तो कोई टेंशन नहीं, अगर कोई नए प्रोजेक्ट में लगाए तो फिर प्रेशर आ जाता है डायरेक्टर के पास, भैया बांट दो ना, ठीक है। तो उसे इस प्रेशर से निकलना था, उसने बोनस टिका दिया। क्या बोनस शेयर समझ में आया? अलग अलग टाइप है, पहला क्या है पब्लिक इशू, दूसरा क्या है राइट इशू, तीसरा क्या है बोनस शेयर्स, नेक्स्ट क्या लिखा है प्राइवेट प्लेसमेंट। मैंने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया, कुछ 30-40 लोगों को सिलेक्ट किया और बोला कि आओ मेरी कंपनी में पैसा लगाओ। मैंने जाकर उनसे बात करी है कि अंबानी जी यू आर द राइट पर्सन, जो आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, आप मेरी कंपनी को बढ़ा दोगे, आपके हाथ बहुत शुभ है, ठीक है। तो मैंने उनको ऑप्शन दिया, वो पूरा का पूरा ब्रोशर देखेंगे, सब बढ़िया लगेगा तो पैसे लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ रही? तो प्राइवेटली प्लेस एक होता है जनता को दो, ओपन जिसको खरीदना है खरीदो। प्राइवेटली प्लेस मतलब क्या, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को देना। क्या दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? पब्लिक मतलब क्या, ओपन कर दिया, जिसको खरीदना है खरीदो, प्राइवेट प्लेसमेंट ओपन नहीं है। ये प्राइवेटली आपने अप्रोच किया सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ लोगों को, उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट किया और हमें पैसे देने को तैयार है, बदले में इक्विटी मिलेगा। बात समझ में आ गई? राइट इशू बोनस इशू समझ में आया? चलो थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, डिटेल में जा रहे हैं किसमें, पब्लिक इशू, ठीक है। पब्लिक इशू के दो टाइप है, एक है आईपीओ और दूसरा क्या है एफपीओ। थोड़ा सा और डिटेल में समझे, आईपीओ का फुल फॉर्म बताओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। लाइफ में पहली बार जब आप क्या करते हो, लिस्ट होने के बाद शेयर इशू करते हो, आप क्या करते हो लिस्टिंग के लिए शेयर इशू करते हो। आईपीओ मतलब इनिशियल, पहली बार। अब रिलायंस कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती, जब वो पहली बार लाई थी ना तो आईपीओ था, सेकेंड टाइम उसे हम क्या बोलेंगे एफपीओ। व्हाट डू मीन बाय एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है। आईटेक्स कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, मुझे आईपीओ लाना है, नहीं ला सकती। मुझे क्या लाना है आईपीओ, नहीं ला सकती। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी बनने के बाद मुझे लिस्टिंग की कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेगी, स्टॉक एक्सचेंज से बात करनी पड़ेगी, तब जाके मैं आईपीओ लेकर आऊंगी। तो जब मैं पहली बार जनता के लिए इशू लेकर आती हूँ, दैट वॉज आईपीओ। दोबारा से नेक्स्ट ईयर, इस साल 2024 में मैं अपने आप को लिस्ट करती हूँ और जनता के लिए इशू लेकर आती हूँ, तो फर्स्ट टाइम जब मैं लेकर आई। अब मैं कभी भी आईपीओ नहीं लेके आ पाऊंगी, क्योंकि अब मेरा क्या होगा, हमेशा सेकंड टाइम होगा, तो वो फिर फर्दर पब्लिक ऑफर। तो जितनी बड़ी कंपनी है जो ऑलरेडी लिस्ट है वो आईपीओ ला चुकी है, अब जो कुछ भी वो लेकर आएगी वो क्या होगा एफपीओ। यहाँ तक चीजें क्लियर है? चलिए अब तुम नोटिस करो, आईपीओ के भी अंदर दो टाइप है, एक है फ्रेश इशू। फ्रेश इशू मतलब कि एकदम शेयर फ्रेश फ्रेश प्रिंट किया और तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिया। हाँ मैं पहले आईपीओ खत्म करूंगी, तब मैं तुम्हें एफपीओ का फ्रेश इशू बताऊंगी, ठीक है। चलो पहले आईपीओ। आईपीओ में क्या लिखा है, फ्रेश इशू। फ्रेश इशू मतलब क्या, फ्रेश प्रिंट किया और आपको मैंने दे दिया और आज से आप मेरी कंपनी के क्या बन गए, शेयर होल्डर, फ्रेश इशू। ऑफर फॉर सेल, पुराने शेयर्स, सेकेंड हैंड शेयर। मैं हूँ कंपनी का प्रमोटर, रॉकी सर है कंपनी के प्रमोटर, अभिषेक सर है कंपनी के प्रमोटर, ठीक है। हमारे पास 33% और 33% की शेयर होल्डिंग है, ठीक है। या तो मैं फ्रेश इशू लेकर आऊँगी, मतलब नए शेयर प्रिंट करूँगी, ठीक है। हमारे पास 1 करोड़ है, अभी हमारी शेयर होल्डिंग कितनी है, 1 करोड़ की है, तीनों के पास इक्वल इक्वल है। हम कह रहे हैं मार्केट से चलो पैसा उठाते, ठीक है, मार्केट से क्या करें पैसा उठाते। तो अभी तो हम प्राइवेट कंपनी, पब्लिक बनना है, पब्लिक बनने के लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे, 7 लोगों का जुगाड़ करना पड़ेगा। 7 लोगों के जुगाड़ करने के बाद मैं लिस्ट हो रही हूँ तो और भी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, तो ऐसी बहुत सारी धीरे धीरे हमारी शेयर होल्डिंग क्या होती जाएगी, कम, ठीक है। ये कह रहे पुराने शेयर होल्डर्स हमारे ही शेयर्स हैं, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं मार्केट में अपने शेयर्स, जो मेरे पास जो परसेंटेज, मैं अपने परसेंटेज में से मार्केट में शेयर इशू कर रही हूँ, तो इसे सेकेंड हैंड शेयर बोलते हैं। ये पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, ये पैसा किसके पास जाएगा, मेरे पॉकेट में जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी शेयर होल्डिंग बेची है, मतलब पुराने शेयर्स बेचे। बात समझ आई? जब कभी भी आप इशू देखोगे तो इशू अच्छे से देखना। अभी जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो काफी कुछ एलिजिबल हो जाओगे, कि जो पब्लिक अनाउंसमेंट होता है ना न्यूज़पेपर में जो छपता है ना, वो पढ़ने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। उसमें लिखा रहता है कि फ्रेश इशू कंपनी का 1 करोड़ है, चलो 10 करोड़ कर लेते हैं, छोटी मोटी चीज के लिए नहीं, ठीक है। 10 करोड़ कंपनी के पास जाएगा और ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल मतलब ये पुराने शेयर्स हैं, ये 50 लाख के पुराने शेयर्स हैं। इशू कितने का आया, इशू लिखा होता है
10 करोड़ और 50 लाख, समझ रहे हो ना, इशू कितने का आया, 10 करोड़ 50 लाख का आया, लेकिन 10 करोड़ का जो पैसा है कंपनी को मिलेगा और 50 लाख तो पुराने शेयर्स थे, तो जिसने पैसे जिसने अपने शेयर्स दिए पुराने उसके पॉकेट में जाएगा, तो भैया 10 लाख मेरे पॉकेट में जाएगा। इशू आपको दिखेगा कि हाँ भैया इट समथिंग है, लेकिन उसके अंदर की जब आप डिटेलिंग में जाओगे तो आपको पता चलेगा फ्रेश कितना है और ऑफर फॉर सेल कितने का है। बोलो, वेरी गुड। कंपनी बोल रहा है 1 करोड़ की जरूरत है, समझो समझो समझो, कंपनी कह रहा है मुझे तो 1 करोड़ की जरूरत है, और कंपनी ना लिस्ट होने वाली है, मुझे अच्छे दाम मिलने वाले हैं इसके, मेरी कंपनी की मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है, मुझे मेरी शेयर होल्डिंग तो किसी को भी बेच सकती हूँ ना, मेरी मर्जी। तुम लोग को बेचा, तुम लोग को बेचने आई तो भैया रेट उतने अच्छे नहीं मिल रहे, तो मेरे पास एक मौका है कि साथ में लगे बेच दो। आज शेयर की वैल्यू 100 रुपये है तो अभी 100 रुपये में मिल जाएगा, कहो ज़्यादा भी मिल जाए, क्योंकि वो तो मार्केट का है ना अप डाउन है, अगर अप होगा तो उसमें भी मिल जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, ये एक फैसिलिटी है कि कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तो कंपनी मार्केट से ये पैसा उठाएगी, लेकिन कंपनी को एक और ऑप्शन दे दिया कि अगर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो भी अगर अपने पुराने शेयर्स बेचना चाहता है तो वो भी लगे हाथ जनता को दे देगा। यहाँ पे बस शेयर होल्डिंग बदल गई, यहाँ पे बस क्या हो गई, शेयर होल्डिंग। जैसे मैंने बताया ना, 1 करोड़ तो इसको मिला, 50 लाख तो भैया किसको मिले, पुराने, क्योंकि उसने अपने शेयर्स, अगर वो बेचता, अगर वो किसी और को बेचता तो क्या होता, मैं अगर मार्केट में नहीं बेच रही, मैंने कहा मैं तानिया को बेच रही हूँ, अगर मैं तानिया को बेच रही हूँ दैट मीन्स ये पैसा मुझे पास से आता ना, तो ये मैंने बस एक मैंने विंडो यूज करी आपकी स्टॉक मार्केट की, है तो मेरे शेयर्स ना। कंपनी को 1 करोड़ की जरूरत है, कंपनी कह रही ज्यादा है, तुम लिख लो 2, लिख लो 10, लिख लो 100, तुम्हें तुम्हारा फ्रेश फ्रेश इशू कंपनी का पैसा होता है, इन शॉर्ट ऑफर फॉर सेल कंपनी का पैसा नहीं होता है, ये बाइफर्गेशन डिटेल में दिया होता है। अब क्योंकि अब आपको अवेयरनेस होगी तो आप डिटेल अब समझोगे, समझ में आया। सेकेंड हैंड, अब सेम एफपीओ में, सेम केस एफपीओ में कंपनी को फिर से जरूरत पड़ी, 50 करोड़ की जरूरत थी, तो कंपनी चाहे तो क्या करेगी, कंपनी चाहे तो क्या करेगी, फ्रेश इशू, कंपनी को जरूरत कितनी है 50 की, तो वो 50 का पूरा पूरा फ्रेश इशू लेकर आएगी। लेकिन फिर से एक ऑप्शन, इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर चाहे तो क्या कर सकते हैं, पुराने शेयर्स इसमें बेच सकते हैं, स्टॉक मार्केट में तो लिस्ट है, आप चाहो तो स्टॉक मार्केट में बेचो, लेकिन आप चाहो तो क्या करो, जब ये जनता के पास जा रहे तो जनता को दे दो शेयर होल्डिंग, क्या कर दो, जनता को दे दो शेयर होल्डिंग। कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे, कुछ रूल्स रेगुलेशन तो जो हम बीच बीच में पढ़ते रहते हैं, एक लिस्टेड कंपनी को साफ साफ बोल रखा है कि तुम्हें अगर लिस्टेड में बने रहना है तो 25% मिनिमम आपको किसे देना पड़ेगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मिनिमम 25% आपको जनता को देना पड़ेगा। आप एक पब्लिक कंपनी हो, अगर आपने जनता कोई शेष नहीं तो आप काहे की पब्लिक कंपनी, तो रूल्स रेगुलेशन साफ बोलते 25%। मान लो गलती से प्रमोटर के पास 76 आ गए, गलती से प्रमोटर के पास क्या आ गए, 76 आ गए, तो वो अपनी शेयर होल्डिंग कम कर सकता है ना, जनता को दे दो भाई। तो समझ में आ रहे पुराने शेयर्स कैसे रोल पे आते हैं, या तो शेयर होल्डर प्रमोटर बोल रहा है मेरे पास शेयर होल्डिंग बहुत ज़्यादा है थोड़ी सी मुझे कम करनी है क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है, या फिर बोलो मेरी शेयर होल्डिंग ज़्यादा लिमिट से एक्सीड होगी तो मुझे कम करें, तो ऐसे एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं जिस कारण से सेकेंड हैंड शेयर्स मार्केट में आते हैं। बात समझ में आ गई क्या, पक्का? तो ये टाइप है वापस से, सबसे पहला टाइप हमने पढ़ा, इशू कितने टाइप के हमने पढ़े, 4 टाइप। पहला टाइप बताओ क्या है, पब्लिक इशू। दूसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप क्या है, चौथा टाइप क्या है, प्राइवेट। फिर हमने देखा इशू, पब्लिक इशू जनता को जब दिए जाते हो तो 2 टाइप होते हैं, एक होता है आईपीओ, दूसरा होता है एफपीओ। आईपीओ में क्या होता है, या तो एकदम फ्रेश या तो ऑफर फॉर सेल, जहां कहीं भी ऑफर फॉर सेल मतलब सेकेंड हैंड शेयर्स होते हैं। एफपीओ बोलते हैं या तो फ्रेश या फिर ऑफर फॉर सेल। देवांश डाउट क्लियर हो गया भाई, बस थोड़ा रुकना होता है और कुछ नहीं, ठीक है चले। अब आते हैं किसमें, प्राइवेट प्लेसमेंट। मैंने आपको अभी प्राइवेट प्लेसमेंट क्या बताया था, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ लोगों को हमने अप्रोच किया कि आओ हमें पैसा दे दो, हमें है 10 करोड़ की जरूरत, हमें जनता में नहीं जाना, क्योंकि जब हम जनता के पास जाते हैं ना और जनता से कहते हैं कि भैया दे दो हमें 10 करोड़, तो लॉ बोलता है, इतने कंप्लाइंसेस लगा के लॉ बोलता है भाई 90% पैसा आ जाना चाहिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अगर 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ, मतलब तुमने मांगा कितने 10 करोड़, 90% कितना आ जाना चाहिए, 9 करोड़ तो आ जाने चाहिए, अगर 9 करोड़ नहीं है तो पूरा पैसा देना पड़ेगा।
और भी इसके अलावा, ये तो एक कंप्लाइंसेस है, ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ कंप्लाइंसेस जो अभी हम यहाँ पढ़ेंगे, तो इतने कंप्लाइंसेस में हमें नहीं फंसना है, जनता भरोसा करे या ना करे, और भी बीच में बहुत सारे मर्चेंट बैंक ये सबका रोल प्ले बहुत ज्यादा आ जाता है। तो भाई हम डायरेक्टली ना कुछ लोगों को अप्रोच करते हैं, आओ हमें पैसे, ये सब अमीर लोगों को हमने अप्रोच किया। ये प्राइवेट प्लेसमेंट किसको कर रहे हैं हम, अमीरों को पकड़ेंगे ना कि गरीबों को पकड़ेंगे, हम पब्लिक को बोल रहे भैया ये तो गरीब है, देंगे भी कि नहीं देंगे, भरोसा करेंगे भी कि नहीं करेंगे, तो भाई हम प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे, तो सारे रिच पर्सन आ जाएंगे। ठीक, चलो, हाँ, उसी में आ जाएंगे। या तो प्रेफरेंशियल इश्यू करो, प्राइवेटली अप्रोच करो, एक एक को करके प्रेफरेंस दो इनको। ये क्या लिखा है, क्यू आई पी लिखा है, क्यू आई पी लिखा है। देखो तो तुम लोगों ने क्यू आई भी तो पढ़ा है, बताओ फुल फॉर्म, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, पूरी लिस्ट थी, कौन थे ये क्वालिफाइड, बैंक्स थे, एआईएफ थे, फॉरेन पेंशन म्यूचुअल फंड, चलो ये पूरी क्योंकि तुम लोगों ने लिस्ट पढ़ी है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम मतलब जब आप प्राइवेटली प्लेस, मैंने कहा ना लोगों को सेलेक्ट करके दिया, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर में जो पूरी लिस्ट थी इनको आपने अप्रोच किया, तो इसे हम बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम किया आपने। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल आपने क्या किया है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम, ये तो रिपीट है, क्यों दो बार कर दिया, सॉरी, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम। ठीक है, एक्चुअल में इतनी डिटेलिंग तुम्हारे इसमें है नहीं, रुक जाओ थोड़ा सा, आओ इधर, अब आ जाओ। टाइप ऑफ इशू कितने टाइप बताए मैंने, पहला क्या बताया, पब्लिक, पब्लिक के दो टाइप थे, आईपीओ एफपीओ समझ में आ रहा है, बोनस समझ में आ रहा है, राइट इशू समझ में आ रहा है, प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर टाइप थे, ठीक है, एक प्रेफरेंशियल इशू था और दूसरा क्या था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, वो गलती से आ गया था। ठीक है, तो ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट मैंने आपको क्या बताया, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को जब दिया जाता है इसे हम बोलते हैं हमने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन, सॉरी, क्वालिफाइड प्लेसमेंट कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने कहा, समझ तो गए हो, चलो आओ थ्योरी पढ़ते हैं। क्या था, इनिशियल पब्लिक ऑफर समझ में आ गया ना, अब बस रीड करना है, समझने का काम आपने कर लिया। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल, सॉरी, आईपीओ समझो आप, मैंने आपको क्या बोला कि आईटेक्स कंपनी ने पहले क्या किया, प्राइवेट से पब्लिक भी, ठीक है, अब लिस्ट होने जा रही है, लिस्ट होने जा रही है, लिस्ट नहीं भी, तो जब भी आईपीओ आता है, याद रखना, जब भी आईपीओ आता है तो आप अभी क्या हो, अनलिस्टेड हो। आईपीओ लाते वक्त अभी हम अनलिस्टेड है, आईपीओ पहले आएगा फिर आप लिस्ट करोगे वापस। मैं आईपीओ लेकर आ रही हूँ स्टॉक एक्सचेंज में, मैं कह रही हूँ कि आओ सारी जनता मेरे शेयर्स खरीदो, जनता ने शेयर्स खरीद लिए, तुम लोग के पास वो प्रोडक्ट आ गए, वो प्रोडक्ट क्या, मेरे शेयर सर्टिफिकेट सबके पास आ गया, अब एक बार आ गया, अब मैं इसे क्या कराऊंगी, मार्केट में लिस्ट कराऊंगी। लिस्ट कराने का सबसे बड़ा फायदा कि कल को तुम्हें बेचना होगा तो आसानी से बेच सकोगे, तो स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप चीज़ों को क्या कर देते हो, आसानी से बेच पाओगे। हमने एक चैप्टर ईसॉप पढ़ा है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, हम क्या करते थे, एम्प्लॉय को शेयर्स देते थे, फिर क्या करते थे, लिस्ट करो, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय को बेचना तो बेच सके, क्या ये बात समझ में आ रही है। स्वेट इक्विटी शेयर्स, पहले मैं आपको शेयर्स देती हूँ फिर इसको क्या करती हूँ, लिस्ट। तो इन शॉर्ट मैं अभी लिस्टेड कंपनी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल पब्लिक कंपनी हूँ, मैं लिस्ट होना चाहती हूँ, तो जब भी मैं पहली बार आईपीओ लेकर आऊंगी ना, तो मुझे आईपीओ लाते वक्त बोला जाएगा कि मैं एक अनलिस्टेड कंपनी हूँ, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम ला रही हूँ ना, पहले शेयर्स पहुँचेंगे फिर लिस्ट होंगे, जनता के पास पहले शेयर्स पहुँच गए फिर मैंने इसे लिस्ट करा दिया, अब मैं कहलाऊंगी लिस्टेड, अब मैं कहलाऊंगी लिस्टेड। तो अगर एफपीओ ला रही हूँ तो मैं आईपीओ ला चुकी हूँ ना, एफपीओ ला रही हूँ, एफपीओ मतलब क्या था, फॉर द पब्लिक ऑफर, तो मैं क्या हूँ, लिस्टेड हूँ, बात समझ में आ रही है, मैं लिस्टेड हूँ। तो आईपीओ और एफपीओ में डिफरेंस क्या है, आईपीओ एक अनलिस्टेड कंपनी लेकर आती है और एफपीओ कौन लेकर आती है, लिस्टेड। पहली बार जब मैं लेकर आऊंगी तो मैं अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड मतलब हमेशा याद रखना, कंपनी बस बोलते वक्त ऐसा यूज किया जाता है कि ये लिस्टेड कंपनी, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, सिक्योरिटीज लिस्ट होती है, शेयर्स लिस्ट किए जाते हैं, क्योंकि शेयर ही तो लिस्ट होंगे तभी तो आप उसे खरीद बेच पाओगे। लेकिन जब पहली बार आईपीओ लेकर आए, सिक्योरिटीज आप तक पहुंच गई, इसको हमने लिस्ट करा दिया, तो अब कंपनी में ठप्पा लग जाता है कि ये लिस्टेड है, क्योंकि पहले वाले शेयर्स आप इसके लिस्ट हो गए ना, इसीलिए बोला जाता है ये लिस्टेड है, मतलब इसके ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आगे चल के ये जब कभी भी शेयर्स लेके आएगी तो इसे हमेशा क्या करवाना पड़ेगा, लिस्ट। बोनस शेयर्स लेके आई ना, लिस्ट कराओ, राइट इश्यूज लेके आई ना, लिस्ट कराओ, प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही ना, लिस्ट कराओ।
क्यों लिस्ट करा रहे? ताकि मार्केट में इसे अगर बेच के निकलना हो तो लिक्विडिटी मेंटेन होती है ना, जब भी बेच के निकल सको। क्लियर है डाउट कुछ? हाँ, स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म देता है कि अभी जो खरीदना है यहां से खरीद लो। खरीद लिया, इसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जितने भी मार्केट में ये शेयर स्प्रेड हो चुके हैं ना, इसको फिर लिस्ट करते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म देगी कि आके यहीं बेचो, बिक जाएगा, हम इसे लिस्ट कर लेंगे। तो पहले से ही बात करके रखनी पड़ती है। पूरा प्रोसेस अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि आपको सबसे पहले एक लेटर बनाना पड़ेगा, ऑफर डॉक्यूमेंट प्रॉस्पेक्टस तैयार करना पड़ेगा। इस प्रॉस्पेक्टस को सबको एक बार चेक करो, जैसे बायबैक में पढ़ा था ना, चेक कराओ, तो इसमें भी एक ऑफर लेटर चेक कराओ। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से बात कर लो कि हम शेयर्स लेकर आने वाले हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपका प्लेटफॉर्म यूज करेंगे अपने इन शेयर्स को बेचने में। अब जैसे ये बिक जाएगा उसे आप अपने आप लिस्ट कर लेना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सारी हमारी टर्म्स एंड कंडीशन, सारी फॉर्मेलिटीज देखेगी कि हमने कंप्लाइंस किया है। अगर हमने कंप्लाइंस किया है तो उसे लिस्ट कर देगी। अदरवाइज शेयर्स आपने ले लिए और फिर उसके बाद रिजेक्शन आ गया कि नहीं भैया आप में कंप्लाइंसेस गड़बड़ है, तो अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा? पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ा बहुत स्टार्टिंग के चैप्टर याद आ रहे होंगे, आ रहे कि भैया इसने तो मना कर दिया, हमारे पैसे फंस गए, तो हम फिर सैड के पास जा रहे थे शिकायत करने, याद आया? तो चलो फाइनली अब पूरी प्रोसेस यहाँ पर पढ़ोगे। तो आईपीओ मतलब मैंने क्या बताया, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो लाइफ में कंपनी फर्स्ट टाइम जनता के पास जाकर मार्केट से है ना ऑफर कर रही है। आओ, इट मीन्स ऑफर ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय द, क्या लिखा है? अभी अनलिस्टेड है क्योंकि आईपीओ लिखा है, इसके बाद लिस्ट होगी। ठीक है, टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन। लेकिन अगर समझ लो 90% नहीं आया तो बच्चा सब बेड़ा गर्ग होने वाला है, पूरे पैसे वेस्ट होने वाले। ठीक है, इसलिए बीच में हम अंडरराइटर को भी लेकर आते हैं कि भाई अंडरराइटर थोड़ी हेल्प करा हमारी। वो बीच का क्या होता है, बिचौली होता है, क्या करता है, आपके शेयर्स बिकवाने में हेल्प करता है। हाँ हाँ वही वही दल्ला है ना, इंक्लूड। लेकिन जब आप आईपीओ लेकर आते हो ना, तो आईपीओ में ना ऑफर फॉर सेल भी आ जाता है। व्हाट डू मीन बाय ऑफर फॉर सेल? एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर भी चाहे तो अपने शेयर बेच सकते हैं, लेकिन ये पैसा कंपनी के पास नहीं जाता। मेरे शेयर से तो मुझे पैसे मिलने चाहिए ना, बात समझ में आ रही है? चलो नीचे यही किसी भी बातें पूरा फैला के उन्होंने लिखा है कि ऑफर फॉर सेल क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर का रहता है जो वो जनता को दे रहा है कि भैया तुम खरीदो, ओनर बस बदल जाएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट क्या बताया मैंने, एफपीओ। एफपीओ के लिए उन्होंने लैंग्वेज क्या यूज की है, ऑफर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय दी, क्या लिखा है, लिस्टेड इश्यूअर, क्योंकि एक बार आईपीओ लेकर आ चुकी है तो अब लिस्टेड हो जाएगा, टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन। फिर दूसरे सेंस में सेम मतलब उन्होंने बताया, पढ़ने की जरूरत नहीं है। राइट इश्यू कौन लेकर आता है, कंपनी। किसके लिए लेकर आता है, एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर। ये एक स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है बाय द कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर ऑन द रिकॉर्ड डेट। अब मुझे रिकॉर्ड डेट बताओ क्या होती है, आईपीओ आ चुका है, तुम लोग सब मेरे शोल्डर्स हो, मेरा मन किया कि मुझे एफपीओ नहीं लाना, एफपीओ क्या फर्दर जनता के पास नहीं देना, फर्दर अपने एग्जिस्टिंग शोल्डर को राइट इशू करो। तो भाई रिकॉर्ड डेट में एक फाइनल डेट डिसाइड करूंगी, इतने फ्लैक्चुएशंस है, पहले देवांश था, फिर आदर्श बन गया, फिर अनन्या बन गई, फिर तान्या बन गई शोल्डर, तो इतने बदल रहे, तो मैंने एक रिकॉर्ड डेट फाइनल कर दी, इस डेट में जो मेरा शोल्डर होगा उसको मैं राइट इशू दे दूंगी, दैट्स इट। समझ में आ गया? हाँ, फिर वो अंदर की फॉर्मेलिटीज क्या, जिसको नहीं मिला वो आकर बात कर ले, प्रूफ दिखा दे, अनरजिस्टर्ड लोगों, फिर बात अलग है, लंबी है, बात समझ में आई? नेक्स्ट क्या लिखा है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। लिस्टेड कंपनी इशू कर रही है, क्या लिखा है, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन प्राइवेटली, इसे हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कहते हैं। ठीक है, चलो। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, एक लिस्टेड कंपनी ओनली किसको दे रही है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को अप्रोच करती है। जो वो लिस्ट थी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की, जो लंबी चौड़ी हमने 10, 14, 15, 10, 12 लंबी लिस्ट, इनको हमने कहा कि भैया तुम हमारी कंपनी में पैसे लगाओ, जिसमें बैंक भी आते हैं, हमने बैंक को बोला बैंक आओ पैसे लगा दो। तो भाई क्या हुआ है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट हुआ है। बोनस इशू क्या है, एडिशनल शेयर इशू बाई दी कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शोल्डर। अब ये अपनी गलतियां नहीं बताएंगे कि ये धोखा है, वो ऐसा नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ नॉलेज के लिए आपको पता चल गया कि एग्जिस्टिंग शोल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। कोई फ्री ऑफ कॉस्ट होता है क्या? नहीं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? बेसिक्स, कितने टाइप्स ऑफ इश्यू पढ़े, पहला, दूसरा, तीसरा, चलो प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक इश्यू में कितने टाइप है, आईपीओ और एफपीओ। आईपीओ में कितने टाइप है, फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल, इसमें भी सेम। प्राइवेट प्लेसमेंट में एक होता है प्रेफरेंशियल और एक होता है, दोनों में डिफरेंस समझो। कोई भी रिच पर्सन को हमने पकड़ा,
इंसान भी हो सकता है पर नहीं भी हो सकता है, बात समझ आए। और ये क्या है, लिस्ट थी 12 लोगों की जिसमें क्या आ रहा था, म्यूचुअल फंड आ रहा था, AIF आ रहा था, इन्हीं लोगों को दिया, इन्हीं सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन कौन है, हाँ ये QIB की बात करूँ मैं, अगर QIB को दिया, ठीक है, अगर QIB को दिया सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन में कौन लोग हैं, QIBs हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, वो टर्म थोड़ी इधर उधर है, बुक में जो लिखा है वही समझना है, ठीक है। और किसी भी लोगों को दिया तो वो प्रेफरेंशियल इशू है, वापस वापस वापस, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट सही वर्ड है, वो उधर थोड़ी कुछ गलती हो गई, ठीक है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट मतलब बस क्वालिफाइड बायर्स को दिया आपने, सेलेक्टेड पर्सन कौन है, क्वालिफाइड बायर्स, तो ये कैटेगरी आएगी, इसके अलावा बाकी सब क्या है, प्रेफरेंशियल इशू कराएंगे, ये स्पेसिफिक और वो जनरल है, बात समझ में आ गई। चलिए, इन्होंने कहा ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ मीनिंग आपको समझने पड़ेंगे, आओ सबसे पहला मीनिंग क्या लिखा है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, हमने ऑफर डॉक्यूमेंट बना दिया लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं है, ये ड्राफ्ट फॉर्म है, ड्राफ्ट फॉर्म है मतलब क्या है, अभी थप्पा नहीं लगा है, किसका, सेबी का, सेबी कहेगी सब अच्छा है, वो फाइनल कर देगी फिर, ड्राफ्ट मतलब ऐसा ड्राफ्ट नहीं, इनकम्प्लीट नहीं बोलेंगे इसे, हम इसे हम क्या बोलेंगे कि हमने अपनी तरफ से कंप्लीट कर लिया है, सेबी की बस परमिशन की जरूरत है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, CS ने, सब ने अपनी तरफ से ओके कर दिया है, अब सेबी के पास जाके वो फाइनल होगा, जब तक सेबी ने हाँ नहीं बोला है तब तक हम इसे क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट है क्या, ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट एक ड्राफ्ट स्टेज में, ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल किया जाता है किसको, सेबी को किया जाता है, एटलीस्ट 30 डेज प्रायर टू फाइलिंग दी ऑफर डॉक्यूमेंट टू, क्या लिखा है, ROC और स्टॉक एक्सचेंज। चलिए, स्टॉक एक्सचेंज मतलब मैं ITEX कंपनी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों में लिस्ट होना चाहती हूँ, तो मुझे अपना ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट है, ये देखो ये ऑफर लिखा है, ऑफर मतलब क्या, फाइनल, मुझे अपना फाइनल डॉक्यूमेंट प्रॉस्पेक्टस बोलूँ, इस प्रॉस्पेक्टस में मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी होंगी, मेरी कंपनी को इतना एक्सपीरियंस है, मेरी कंपनी ने इतने काम किए, सब अच्छी अच्छी तुम्हें अट्रैक्ट करने वाली बातें करूंगी, ये ऑफर डॉक्यूमेंट आपके पास आएगा जिसे देख के आप मेरी कंपनी में पैसा लगाने वाले हो, तो एक्चुअल में सभी देखना चाहती है सच लिखा है कि नहीं लिखा है, कहीं कुछ मिसलीडिंग बातें तो नहीं लिखी, बस शेयरहोल्डर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ सही ऐसा तो नहीं लिखा गलत गलत, तो इस ऑफर डॉक्यूमेंट को बोला जाता है कि पहले सेबी से चेक करो, तो जब तक सेबी चेक नहीं करता उसे हम ड्राफ्ट बोलते हैं, सेबी ने एक बार ओके बोल दिया तो ड्राफ्ट हटा दो, फिर क्या हो जाएगा, ऑफर डॉक्यूमेंट। तो इन्होंने कहा ऑफर डॉक्यूमेंट देना किसको है, ROC को देना है और स्टॉक एक्सचेंज को, ROC को और स्टॉक एक्सचेंज को हमें फाइनल वाला देना है, लेकिन फाइनल होने से पहले 30 दिन पहले सेबी को दो चेक करने के लिए, तो सेबी को ड्राफ्ट दिया 30 डेज पहले, जब भी स्टॉक एक्सचेंज के पास जाओगे, ठीक है, और ROC के पास जाओगे, इसमें वो फटाफट इसे चेक कर लेगा, कुछ गलतियां होंगी उसे ठीक कर कर आपको देना पड़ेगा, और जब ये फाइनल हो जाएगा फिर ROC को भी दे दो, और किसको दे दो, स्टॉक है, ROC कौन है, हमारी कंपनी का रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ MP में जितनी भी कंपनीज बनेंगी उसे ROC मतलब ग्वालियर को देना पड़ेगा, वो ऑफर फाइनल वाला देगा, लेकिन उससे पहले सेबी के पास जाके एक बार चेक हो जाएगा, तो जब तक सेबी ने ठप्पा नहीं मारा तब तक वो ड्राफ्ट फॉर्म है, क्लियर है, फिर ROC, इसलिए सेबी के पास क्या जा रहा है, ड्राफ्ट, लेकिन ROC के पास क्या जा रहा है, ऑफर डॉक्यूमेंट फाइनल, ठीक है। लेकिन आप समझाने के लिए मैं इसे फाइनल बोलती हूँ, लिखते वक्त आपको ध्यान देना है ऑफर ही लिखा रहेगा, जैसे लिखा ना, ये देखो ये ड्राफ्ट लिखा है और नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑफर, मतलब ये अभी सेबी की अप्रूवल बची है, अब ये नीचे वाला ऑफर लिखा है मतलब ये फाइनल है, तो बोलते वक्त मैं फाइनल यूज करूंगी, लिखते वक्त आपको फाइनल यूज नहीं करना है, ठीक है, कि नहीं दीदी ये फाइनल है, एकदम ही फाइनल है, लेमन लैंग्वेज मैं समझाने के लिए बताती हूँ, ठीक है, तुम लोग वही पकड़ के लिख देते हो। चलो, इन्होंने कहा भैया एक मर्चेंट बैंकर होता है, मर्चेंट बैंकर पूरा का पूरा मैनेजर होता है, किसका, पूरा इशू का, ये पूरा मैनेजमेंट देखता है, इसके बिना पत्ता भी नहीं ला सकती कंपनी। अब इन्होंने बोल दिया भैया लीड मर्चेंट बैंकर, कंपनी को हो सकता है एक से ज्यादा मर्चेंट बैंकर की जरूरत हो, बड़ा इशू, बड़ा मैनेजमेंट, एक मर्चेंट बैंकर से काम नहीं चल रहा है, 2-3 मर्चेंट बैंकर रख लिया, अब 2-3 में से एक तो कैप्टन होगा ना, एक तो लीड करेगा, 4 मर्चेंट बैंकर रख लिया, तो एक जो लीड करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, लीड मर्चेंट बैंकर, बाकी सब मर्चेंट बैंकर है, एक ही रखा मर्चेंट बैंकर, बात समझ में आ रही है, तो बीच बीच में अगर वो लीड मर्चेंट बैंकर बोल रहे तो कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे रखे उसमें से एक है जो थोड़ा सा मेन है, फिर बाकी सब उसके साथ में काम करे, क्लियर है, ऑडिट करे। सेबी में स्पेसिफाई चेंजेस, आपका ड्राफ्ट ना चेक किया जा रहा है,
कुछ उसमें दिक्कत लगी, सेबी ने कुछ कमेंट किया कि भाई ठीक कर दो यार, गड़बड़ है, आपने ये सारी चीजें लिखी है, थोड़ा सा और इलैबोरेट करो, हमें कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। तो अगर कुछ चेंजेस इफ एनी बोला, जरूरी नहीं हमेशा बोले, ठीक है, ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट में अगर कुछ चेंजेस बोले, द इश्योर और द लीड मर्चेंट बैंकर शैल कैरी आउट सच चेंजेस, उस ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट में करो और फिर उसे कंप्लीट करो, फाइनल जो ड्राफ्ट है, सॉरी ऑफर डॉक्यूमेंट है, फिर वो स्टॉक एक्सचेंज या फिर आरओसी जिसको देना, फिर आप फाइनल करके देंगे, ठीक है, जो चेंजेस सेबी ने बोला वो कर देना है। यहां तक चीजें क्लियर है? ड्राफ्ट ऑफर जो डॉक्यूमेंट है इज अवेलेबल ऑन दी सेबी वेबसाइट फॉर दी पब्लिक कमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझो आप ये क्या लिखा है, पब्लिक कमेंट। सेबी बोलता है मेरे पास आएगा, मैं पढ़ के एकदम सब देख लूंगा, ऐसा नहीं होता, मैं अपनी वेबसाइट में डाल दूंगा वापस। किसी कंपनी का ड्राफ्ट फॉर्म आया सभी के पास, सभी ने क्या डाला, अपनी वेबसाइट में डाला और सबको बोला कि देखो ये कंपनी है, ये कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है, इस कंपनी से जिस किसी को भी दिक्कत है आओ हमें बताओ। ये पब्लिक कमेंट लिखा है, जनता में ओपन रख दिया। आपने आए दिन नए नए लॉज देखे होंगे, जब से मोदी जी की सरकार है आए दिन लॉज आते रहते हैं, उस लॉ में भारी भरकम डिस्कशन चलता रहता है। अभी बीच में एक आया था जिसमें पेट्रोल पंप में पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई थी, क्या लॉस था जरा बताओ मुझे, पता होना चाहिए लॉ, वेरी गुड। इंश्योरेंस, ट्रक ड्राइवर अगर कोई एक्सीडेंट कर लेता है तो 10 लाख, ऐसे खतरनाक बता रही मैं, हवा ये सब फैली कि इतना इतना है, लेकिन रूल्स रेगुलेशन एक्चुअल में लॉ देखा जाए तो कुछ और है, वही वही मैक्सिमम, क्योंकि अब हम लॉयर वाले हो गए है ना, लीगल चीजें समझ रहे, मिनिमम और मैक्सिमम पेनल्टी होती ना, फिर हम बहुत सारे फैक्टर कंसिडर करके क्या करते हैं, पनिशमेंट मैक्सिमम थी वो, ठीक है, लेकिन बस मैं कह रही हूँ ये लॉ था, ये लॉ लेकर आ रहे हैं, जब ये लॉ लेकर आते तो ये ड्राफ्ट फॉर्म होता है, वापस 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 समझो, जब ये लॉ लेकर आते तो ये ड्राफ्ट फॉर्म होता है और पब्लिक कमेंट के लिए ओपन किया जाता है कि हल्ला मचाना तो मचाओ, हल्ला मच गया, तो ये पब्लिक कमेंट के लिए रखा था, समझ रहे हो, पब्लिक कमेंट के लिए रखा था, हम ये लॉ में ये अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, अगर किसी को दिक्कत है तो आकर हमसे बात करो, उन्होंने हल्ला मचा दिया, बता दिया हमें दिक्कत है, तो ये लॉ फिर नहीं आया, वापस लेना पड़ गया। सेम कंपनी ने अपना ड्राफ्ट सेबी को दिया, सेबी ने कहा मैं पब्लिक कमेंट के लिए रखूंगा, इस कंपनी से जिस किसी को भी दिक्कत है आओ हल्ला मचाओ, हल्ला मचाओ मतलब वैसा हल्ला नहीं, वो कह रहे आकर हमसे बात करो, हम आपकी बातें सुनेंगे, बातें सुनने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि इनको हम हरी झंडी दे कि नहीं दे। जैसे उसमें हल्ला मचा, उसी लॉ का मैं अगर एग्जाम्पल दूँ तो उसमें हुआ क्या, हुआ क्या, इन्होंने क्या बोल दिया, भाई बहुत अगेंस्ट है जनता, तो ऐसा लॉ नहीं लाया जा सकता। इससे पहले वो सिटीजनशिप वाला था, सिटीजनशिप वाला एक्ट था जो वो कोविड के टाइम पर मोमडेंस एंड ऑल इन बहुत हल्ला मचा दिया था दिल्ली में, NRC एंड ऑल, सिटीजनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा हो रहा था नाटक, लॉ बना अमेंड किया, जनता के कमेंट के लिए रखा, हल्ला मचा दिया, लॉ वापस लेना पड़ गया। तो लॉ ऐसे ही फाइनल नहीं होता है, लॉ को पब्लिक के सामने रखना होता है, दैट वाज पब्लिक कमेंट। सेम कंपनी का भी जो ऑफर डॉक्यूमेंट होता है, कहीं इन्होंने झूठ झूठ वादे तो नहीं लिखे, तो इस ऑफर डॉक्यूमेंट जो ड्राफ्ट फॉर्म है सेबी के पास जाता है और सेबी अपनी एंक्वायरी अलग करता है कि सब सही है कि नहीं, और साथ में क्या कर देता है, अपनी वेबसाइट में डाल देगा और ओपन कर देगा, जिसको भी दिक्कत है हम आपकी बातें सुनेंगे। अब सेबी बात करने के बाद डिसाइड करेगा कि भैया इनका फाइनल है कि नहीं, किसी का एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है ना तो आकर बात करें, बात समझ में आ रही है। तो पब्लिक कमेंट कितने दिन के लिए विंडो ओपन रहती है, पब्लिक कमेंट के लिए द पीरियड ऑफ 21 डेज फ्रॉम द फाइलिंग, जिस दिन फाइल हुआ 21 दिन का समय है पब्लिक के कमेंट, अगर पब्लिक के कमेंट नहीं आए, किसी को कुछ पता ही नहीं है, कहाँ पता है ना, किसी को पता ही नहीं है, तो भैया हो गया, कंपनी का ऑफर डॉक्यूमेंट फाइनल कर दिया। अगर किसी को पता है तो उन्होंने फिर सेबी की वेबसाइट में सारी चीजें अवेलेबल है, देख सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है, अप्रोच करो फिर। अब मुझे बताओ क्या ये पूरा पैराग्राफ समझ में आए, ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये ड्राफ्ट होता है कंपनी ने अपनी तरफ से कंप्लीट कर रखा है, सेबी की अप्रूवल का वेट हो रहा है। ये कब देते हैं, ये कब देते हैं, जब आरओसी और स्टॉक एक्सचेंज को दे रहे हैं, जब भी देंगे उससे 30 दिन, मतलब वो 30 दिन का गैप होना चाहिए, वो ये कह रहे हैं 30 दिन पहले सेबी के पास जाओ, सेबी को अगर कुछ गड़बड़ लगेगा तो वो कमेंट करने कर देगी, चेंजेस करने को कहेगी। मर्चेंट बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सा मर्चेंट बैंकर, आपकी कंपनी का लीड, लीड नहीं है तो नॉर्मल, ये मर्चेंट बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको चेंजेस कर फिर आरओसी और स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचाए।
लेकिन जब सेबी के पास आप गए थे तो इसकी उन्होंने एक एक्स्ट्रा प्रोसेस बताई कि इसे जनता के कमेंट के लिए 21 दिन के लिए ओपन रखा जाएगा। ये 21 दिन कहाँ से? जब भी ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट सेबी के पास आया था। यहां तक चीजें क्लियर है? सुना सुना जाएगा? नहीं, सुना जाएगा, सबकी सुनी जाती है। वेबसाइट में लिखा रहता है कि आपने कमेंट किया, आपकी बातें सुनी जाएगी, हेयरिंग होगी, प्रॉपर आपसे बात की जाएगी क्या कैसा है, और अगर कुछ गलत हुआ है तो प्रूफ वगैरह लेकर आओ। सुनने के बाद सेबी अपना ही दिमाग लगाएगी कि भाई ये तो फालतू का कमेंट था, हटा, या फिर जेन्युइन था, ये लॉ आगे नहीं जाएगा। हाँ, होल्ड पे रहेगा। हाँ, 21 ओपन है, आओ, नहीं आया तो आगे बढ़ेंगे, आ गया तो आगे प्रोसेस बढ़ेगी, सुनी जाएगी आपकी बातें फिर, ठीक है, फिर उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या लिखा है? ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट क्या हो गया? फाइनल हो गया, सभी नाम बोल दिया। चलो, ये एक प्रोस्पेक्टस हो गया अब, जो पब्लिक को दिया जाएगा। अब बस पब्लिक को थोड़ा ना दिया जाता है, इन्होंने कहा भैया ऑफर फॉर सेल भी है, पब्लिक इशू में भी प्रोस्पेक्टस आएगा, ऑफर फॉर सेल में भी आएगा। समझो, अब जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना तो बीच बीच में ना लैंग्वेज बदलती जाती है। कभी लिखा होगा ऑफर डॉक्यूमेंट, कभी लिखा होगा ऑफर डॉक्यूमेंट। अगर ऑफर डॉक्यूमेंट है मतलब ये एक डॉक्यूमेंट है जिससे हम आपको ऑफर करें, अब चाहे हम इक्विटी करें, डिबेंचर करें, कुछ भी करें, इन जनरल टर्म्स। इन्होंने कहा कि जब हमने प्रॉस्पेक्टस बोला ना, ये है ऑफर डॉक्यूमेंट ही, ये है क्या? ऑफर डॉक्यूमेंट। जब हम जनता के लिए इशू लाते हैं, पब्लिक इशू लाते हैं, चाहे हम ऑफर फॉर सेल लाते हैं, तो इस ऑफर डॉक्यूमेंट को हम प्रॉस्पेक्टस का नाम देते हैं। ऑफर डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस क्या? ऑफर डॉक्यूमेंट ही है। राइट इश्यू जब हम लेकर आते हैं तो इस ऑफर डॉक्यूमेंट का नाम बस बदल जाता है, और क्या लिखा रहता है? लेटर ऑफ ऑफर। इन शॉर्ट, ऑफर डॉक्यूमेंट को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर हमने प्रोस्पेक्टस बोला है, इसका मतलब भी क्या है? ऑफर डॉक्यूमेंट ही है। लेकिन ये प्रोस्पेक्टस, हम ये टर्म तब यूज करते हैं जब हम क्या करते हैं, जनता को इशू करते हैं या फिर ऑफर फॉर सेल करते हैं। लेटर एक था ना, क्या लिखा था? लेटर ऑफ ऑफर। अगर लेटर ऑफ ऑफर वर्ड यूज किया है तो ये भी इसका मतलब ही क्या है? ऑफर डॉक्यूमेंट है। लेकिन इसके लिए हम ये प्रोस्पेक्टस टर्म यूज नहीं करते, क्योंकि हम ये किसको दे रहे हैं? राइट इश्यू। राइट इश्यू मतलब क्या? एग्जिस्टिंग शोल्डर। तो है ये सब ऑफर डॉक्यूमेंट ही, ठीक है, बस सिचुएशन के अकॉर्डिंग नाम बदलता जाएगा। अगर मैंने कहा कि राइट इश्यू में लेटर ऑफ ऑफर आया तो मतलब ये किसी बात कर रहा है? ऑफर डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है। मैंने बोला कि पब्लिक इश्यू में ऑफर डॉक्यूमेंट आया तो वो वही प्रोस्पेक्टस ही है। समझ रहे हो बच्चा? बस सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजें चेंज करते गए हैं। दैट्स इट। कंटिन्यू। ये किसको देना पड़ता है? क्योंकि अब ड्राफ्ट नहीं है, फाइनल हो चुका है, तो भैया आरओसी और स्टॉकिस्ट को दे दो। यहां तक चीजें क्लियर है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अभी मैंने आपको बताया प्रोस्पेक्टस मतलब क्या? ओवर डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसमें हमने सारी बातें लिखी है, कितने का इशू ला रहे हैं, क्या प्राइस में लेके आ रहे हैं, ठीक है, ये सारी डिटेल लिखी है। रेड हेरिंग ये होता है इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस। ड्राफ्ट को इनकम्प्लीट नहीं बोलते हैं, सेबी से परमिशन नहीं मिली इसलिए ड्राफ्ट, एक्चुअल में इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस ये होता है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है। वेरी गुड। प्राइस नहीं लिखी होगी, क्वांटिटीज नहीं लिखी होगी, ये क्या बात हुई? शेयरहोल्डर शेयर्स खरीदना चाहता है और उसे पता ही नहीं है कि भैया कंपनी की प्राइस क्या है। एक्चुअल में प्राइस दो टाइप की होती है। प्राइस कितने टाइप की होती है? दो। पहली क्या होती है? एक होती है फिक्स प्राइस और एक होती है टेक्निकली इसे बोलते हैं बुक बिल्डिंग। टेक्निकली इसे बोलते हैं बुक बिल्डिंग, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवर किया जाता है, या तो प्राइस फिक्स है या तो प्राइस फिक्स नहीं है। प्राइस अगर फिक्स नहीं है तो चलो प्राइस का पता लगाएं, फिक्स नहीं है ना, फ्लैक्चुएट हो रही है, तो इस बुक बिल्डिंग मेथड को हम बोलते हैं प्राइस डिस्कवरी मेथड, जिसमें हम प्राइस का पता लगाएंगे। अब ये कंपनी बताओ प्राइस ही फिक्स नहीं है, कि ये कंपनी अंडर कॉन्फिडेंट है? हाँ बच्चा, कंपनी बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है। कंपनी को लग रहा है कि मैंने अगर 100 रुपए के शेयर्स बोल दिए, चलो फिक्स कर दिए, ठीक है, मैंने फिक्स बोल दिया 100 रुपए के मेरा शेयर्स है, जरूरी थोड़ी ना 90% सब्सक्राइब हो। जनता क्या बोल रही है? इतना मांग रही है, इतना तो डिजर्व ही नहीं करती, हम नहीं देंगे इसके, हम इसके शेयर्स नहीं खरीदेंगे। क्या 90% सब्सक्राइब हुआ क्या? नहीं। या फिर जनता कहेगी वाह इतनी अच्छी कंपनी, 100 रुपए में शेयर्स मिल रहे, फटाफट खरीद लो,
तो कंपनी को क्या लग रहा है यार ज्यादा मिल सकते थे यार पैसे, ठीक है, तो कंपनी को डर है या तो उसे ज्यादा पैसे मिल सकते हैं या तो कंपनी को क्या लग रहा है कि भैया 90% सब्सक्राइब ही नहीं होगा अगर हमने ओवर प्राइस कर दी, हम ओवर रेटेड दिख रहे हैं या फिर अंडर रेटेड दिख रहे हैं। अगर कंपनी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है तो फिक्स प्राइस करे ना सोचे, देखी जाएगी। या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, वो बेचारी अंडर कॉन्फिडेंट है, तो कह रही ठीक है मैं प्राइस का पता लगाऊंगी, लेकिन रेंज तो डिसाइड करनी पड़ेगी। क्या रेंज? कि भाई 100 से 120 में मैं बेचूंगा, मिनिमम मिनिमम मैं बेचूंगा 100 और मैक्सिमम बेचूंगा 120। जनता आप लोग मुझे बताएंगे, जनता को मैंने प्रॉस्पेक्टस दिया और साथ में एक एप्लीकेशन दिया अटैच करके, दो चीजें दी है। क्या क्या दिया है? प्रॉस्पेक्टस साथ में एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपके पास पहुंच गया है। प्रॉस्पेक्टस नहीं दिया है मैंने, इनकम्प्लीट प्रॉस्पेक्टस दिया है क्योंकि मेरी प्राइस फाइनल नहीं है, तो मैंने क्या दिया है, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दिया है। क्या दिया है? रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। ये रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस वो प्रॉस्पेक्टस होता है जिसमें फिक्स प्राइस नहीं लिखी होती है, रेंज लिखी होती है, या तो 100 120 ऐसा लिखा होगा। जब प्राइस डिसाइड नहीं तो क्वांटिटी भी डिसाइड नहीं होगी ना, क्योंकि मैं कह रही हूँ मैं 1 करोड़, मैं कितने का ला रही हूँ इशू, 1 करोड़ का, तो एक शेयर की क्या वैल्यू है, डिवाइड करोगे तब जाके क्वांटिटी पता चलेगी ना। तो भैया ये आपके प्रॉस्पेक्टस में ना प्राइस गिवन है ना क्वांटिटी गिवन है, तो आ जाओ रीड करें। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस एक ऐसा प्रॉस्पेक्टस होता है जिसमें ये डिटेल्स नहीं होती है। क्या क्या डिटेल नहीं होती है? ना प्राइस लिखा रहता है ना शेयर्स लिखे रहते हैं, ठीक है। प्राइस पता कैसे लगाया जाता है? बुक बिल्डिंग एक मेथड होती है, उस मेथड को डिटेल में समझेंगे, जिसमें मैंने बोला ना 100 से 120। अब मैं तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, तुम्हारी फिर एप्लीकेशन आएगी, एप्लीकेशन लाने के बाद एक फाइनल प्राइस डिसाइड की जाती है। कैसे डिसाइड की जाएगी सिखाऊंगी, लेकिन हाँ एक प्राइस पता लगेगी। वेरी गुड, जनता हमेशा कमी बोलेगी, तो इसकी एक प्रोसेस है, प्रोसेस से एक कट ऑफ प्राइस डिसाइड होगी, अभी बता रही 2 मिनट बस, ठीक है। इसे इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी, डिटेल नॉट शोन इन, शॉर्टकट में लिखा है रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में डिटेल नहीं होती। इसे फाइल किया जाता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, आरओसी को इसे देना पड़ता है। ओनली कंप्लीशन ऑफ द बिडिंग प्रोसेस, सबकी इन्विटेशन आया, बिडिंग मतलब सबका इन्विटेशन है, हाँ इतने में खरीदेंगे, इतने में इतने में। जनता तो हमेशा कम में ही खरीदना पसंद, सॉरी हाँ कम में ही खरीदना पसंद करेगी, वो चाहेगी भैया इस कंपनी के शेयर मुझे कम से कम मिले। मैंने बोला मैं 100 मिनिमम और मैक्सिमम 120, तुम हो जनता, तुम तो चाहोगे ना सस्ते में मिल जाए, ठीक है, तुमने बोला 100 बता रही, ठीक है। बिडिंग प्रोसेस है जो किसी ने 100 बोले किसी ने 110, क्योंकि सबने बात थोड़ी ना कर रखी है, लेकिन सारी जनता कहेंगे चलो सबने 100 बोल दिया, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ द फाइनल प्राइस, द डिटेल ऑफ द फाइनल प्राइस इस बुक बिल्डिंग प्रोसेस से आइडेंटिफाई होगी, ठीक है। द ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल्ड करेगा, ठीक है, जब डिटेल, जब बुक बिल्डिंग प्रोसेस खत्म, आप प्राइस फाइनल कर लोगे, तब आपका डॉक्यूमेंट ऑफर डॉक्यूमेंट हो गया, मतलब वो रेड हेरिंग नहीं है, वो रेड हेरिंग फॉर द टाइम बीइंग है, टेम्परेरी पीरियड के लिए वो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस है, जब तक आपकी प्राइस फाइनल नहीं हो जाती। प्राइस फाइनल तो क्वांटिटी फाइनल, और फटाफट वापस से आरओसी को दो, मतलब और आरओसी को दो बार जाएगा प्रॉस्पेक्टस। पहला प्रॉस्पेक्टस रेड हेरिंग कहलाएगा, इनकम्प्लीट। आप ये बोलोगे भैया ये इनकम्प्लीट पकड़ो, अभी मेरी बिडिंग प्रोसेस चल रही है, बिडिंग प्रोसेस जैसी हो जाएगी प्राइस फाइनल आ जाएगी, फिर हम आपको वापस से फाइनल वाला प्रॉस्पेक्टस दे देंगे। बहुत समझ में आ गई। अब आ जाओ क्वेश्चन तो ये है दिमाग में कि दीदी जब मैं ये बिडिंग प्रोसेस करूंगा ना, तो पूरी जनता कह रही है कि भाई हम तो क्या करेंगे 100 से 120 में, ठीक है, बीच में सब कह रहे हम 100। बिडिंग प्रोसेस बोलता है तुम हो जनता, जनता बोल रही भाई हम कम से कम, और मैं हूं कंपनी, कंपनी क्या सोचेगी ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, कंपनी क्या कह रही है ज्यादा से ज्यादा। किसी ने भी मान लो ज्यादा कोट कर दिया, देर आर अ चांसेस ना बच्चा, कोई भी ज्यादा कोट कर सकता है, सब ने मूड़ी बना लिया, मतलब मेरी कंपनी उतना ही डिजर्व करती है, सब कह रहे भैया इसको तो ज्यादा देना ही नहीं चाहिए, कुछ कह रहे कि नहीं ये कंपनी ज्यादा डिजर्व करती है, हम 120 देंगे। कुछ ने सोचा, कुछ ने कहा कि नहीं भैया 120 नहीं 110, कुछ ने सोचा 100, समझ में आ रहा है, कुछ ने सोचा क्या 100, लेकिन 100 देने वाली जनता, 100 देने वाली जनता मेजर है, बात समझ में आ रही है, 100 देने वाली जनता क्या है, मेजर है, ये बहुत ही लेस है, ये टू लेस है और ये लेस है, समझ में आ रहा है। तो भैया कंपनी क्या कह रही है, मुझे तो ज्यादा से ज्यादा चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, छोटा एग्जाम्पल ले रही हूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है, और छोटा कर देती हूँ, मुझे 10,000 शेयर्स मैं इशू कर रहे थे, ठीक है, कितने इशू किए 10,000, 10,000 मैंने शेयर इशू किया, 120 लोग बहुत कम है, 1,000 लोगों ने बोला,
1000 तक के शेयर्स की डिमांड आई, कितने की, कि हम 120 में खरीदेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, 9000 लोगों ने बोला, क्या बोला, 110। ठीक है, जनता तो कितना भी करेगी ना, जनता को थोड़ी ना मालूम, वो तो अपनी लिमिट के हिसाब से करेगी, ओवर सब्सक्राइब भी तो होता है ना, ओवर सब्सक्राइब भी होता है। 1 लाख लोगों ने बोला, 1 लाख लोगों ने बोला है कि हम तो 100 में खरीदेंगे। बात समझ में आई? मुझे कितने की रिक्वायरमेंट थी, 10,000 की। मुझे 120 देने वाले को मैं सबसे पहली प्रेफरेंस दूंगी, के बात समझ में आ रही है? कंपनी कहेगी भैया 100 में तुम लोग खरीदोगे, मुझे तुम्हें नहीं देना, के बात समझ में आ रही है? तो ये कट ऑफ प्राइस निकलती है, कट ऑफ प्राइस निकलती है उल्टा। ये बोलता है कि भाई मैक्सिमम प्राइस को पहली प्रेफरेंस, मैक्सिमम प्राइस जिसने बोली उसको मिलेगी प्रेफरेंस। ठीक है, मैक्सिमम प्राइस बोल दिया 1000 ने, तो भैया चलो, लेकिन मुझे तो चाहिए थे 10,000, मिले अभी मुझे कितने, 1000। फिर उन्होंने बोला भैया 9000 भी तो है, 110 वाले। मेरा 10,000 कब खत्म होता है मुझे बताओ, मुझे मेरे 10,000 कब कंप्लीट होते हैं, सेकंड में खत्म ना, ये प्राइस फाइनल हो गई। क्या ये बात समझ आए? मुझे 10,000 की जरूरत थी, मुझे कितने की जरूरत थी, 10,000 की। यहां 10,000 मुझे मिल गए, मुझे तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं, भग जाओ यहां से। और फाइनल प्राइस क्या हुई, 110। क्यों? यहां मेरा कट ऑफ रुका है। अब जो 1000 लोग कह रहे थे कि भाई हम तो 120 देंगे, क्योंकि फाइनल प्राइस 110 हुई है, वो भी 110 देंगे। जो 120 देने को तैयार है ना, वो 110 दे देगा, लेकिन ये 100 वाले लोग तो भैया फिटे मुंह, ये तो देना ही नहीं चाहते हैं। क्या बात समझ में आई? अब मुझे बताओ, पूरी जनता ने सोच के रखा है 100, पूरी जनता ने सोच के रखा है 100, लाखों की एप्लीकेशन आती है 100 की। ठीक है, मुझे तो 10 ही चाहिए, यहीं पे हो गया, फाइनल प्राइस हो गई 100। लेकिन अब ये प्रोराटा चलाओ अब, ठीक है, और कभी कभी तो इतना ओवर सब्सक्रिप्शन होता है कि लॉटरी सिस्टम निकालना पड़ता है। हाँ, कि भैया ऐसे लॉटरी निकलेगी, जिसका नाम आएगा उसको शेयर्स मिलेंगे, क्योंकि इतने लोगों ने मांग लिया, इतने लोगों में कैसे देंगे आप? चाहिए 10, रिक्वेस्ट आई 1 लाख की, कितना ही ओवर सब्सक्राइब करेंगे, इसकी भी एक लिमिट होती है। ठीक है, लिमिट होती है, तो अब लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, किस्मत होती है, हर किसी को आईपीओ नहीं मिलता है। यस, यही हुआ। ठीक है, आरटीआई, आरटी आईआरसीटीसी, सॉरी आईआरसीटीसी क्या, रेलवे कंपनी हमारी, वो भी ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया था, फिर से वो आईपीओ जब आया था तब वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया था, अब वो एफपीओ लेकर आएगा। बात समझ में आ रही है चीजें? क्या अब मुझे बताओ, क्या डिटेलिंग समझ में आई? अगर ये समझ गए हैं तो इन्होंने यही बोला कि भाई एक बार बिडिंग प्रोसेस कर लो, जैसी बिडिंग प्रोसेस हो जाएगी आपकी प्राइस फाइनल हो जाएगी, प्लीज प्राइस फाइनल हो जाएगी तो आरओसी को फिर दे देने का। बात समझ में आ गई पूरी प्रोसेस? पक्का? चलो अब आ जाओ। हाँ बेटा वापस आओ, क्या है ना, तुम लोग की ये लास्ट क्लास होती है ना, इसलिए मरे हुए बच्चे मिलते हैं मुझे, लेकिन मैं नहीं अज्यूम करूंगी, मैं भी पढ़ाऊंगी, इसलिए चलो चलो चलो। सेबी आईसीडीआर, रुको, सेबी आईसीडीआर पूरी हिस्ट्री बता रही है, पहले ये कुछ और था, 2008 था, फिर 18 हुआ, इन सब के पचड़न में हमें बिल्कुल नहीं फंसना है। ये कमिटी है जिसने सारे ये नाम दे रखे हैं 2018 के, ये सब कुछ नहीं है, सीधा स्केप, सीधा इधर आएंगे अब। सेबी आईसीडीआर चालू, ठीक है, हिस्ट्री वगैरह उधर दे रखी है, हेडिंग देखो क्या लिखा है, चोरा नलायक को, क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, हेडिंग बताओ क्या लिखा है, एप्लीकेबिलिटी, सेबी आईसीडीआर किस किस में एप्लीकेबल है, सेबी आईसीडीआर किस किस पे एप्लीकेबल है। रुको, अब हम जो कुछ भी यहाँ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मतलब रूल्स रेगुलेशन पढ़ने वाले हैं, ये रूल्स रेगुलेशन किस पे लगेंगे? इन्होंने बोला आपकी कंपनी क्या लेकर आ रही है, आईपीओ कौन लाती है, लिस्टेड या अनलिस्टेड, हमेशा याद रखना अनलिस्टेड। आईपीओ ला रही है ना, सेबी में जितनी बातें अब हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। राइट इशू लेकर आ रहे हैं ना, पढ़ो अब अच्छे से, पढ़ो 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 अच्छे से पढ़ो। मैं राइट इशू लेकर आऊँ 10 करोड़ का, क्या मुझे फुलफिल करनी है इस चैप्टर में जो भी रेगुलेशन पढ़ूंगी? नहीं, मतलब अगर मैं 50 करोड़ या उससे ज्यादा का राइट इशू लाती हूँ ना, तो मुझे करना है राइट इशू, मतलब एग्जिस्टिंग शोल्डर, एग्जिस्टिंग शोल्डर भरोसा कर चुके हैं, अब और पैसे वो देने को तैयार है, भरोसे वाले लोग हैं ना। तो इन्होंने कहा कि भाई छोटे मोटे अमाउंट के लिए, छोटे मोटे अमाउंट के लिए इतने रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है।
अमाउंट अगर बड़ा होगा, इनकी बड़ी की डेफिनेशन क्या है, 50 करोड़ से ज्यादा अगर आप लेकर आ रहे हो, इश्यू लेके आ रहे हो राइट, एग्जिस्टिंग शोल्डर से 50 करोड़ उठाना चाहते हो तुम, तो तुम्हें सेबी के कंप्लाइंसेस फुलफिल करने पड़ेंगे। छोटे मोटे 10 ही करोड़ चाहिए, बोला नहीं मत टेंशन लो, तुम एक अच्छी कंपनी हो, तुम लिस्टेड कंपनी हो और ये भरोसा पहले ही कर चुके हो, दोबारा से करने आ रहे, क्लियर है? लेकिन बड़े अमाउंट के लिए हाँ 49 पॉइंट 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 ले सकते हैं, ठीक। चलो फर्दर एफपीओ मतलब एफपीओ बोल सकते हो इसे, अब लिस्टेड आ गई, आईपीओ अनलिस्टेड, एफपीओ मतलब लिस्टेड। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट मतलब प्राइवेटली दे रहे हो क्यूआईबी को, चलो क्या लिखा है, ये इनिशियल लिखा है वो, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर कौन कर रहा है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। बचपन में एडीआर सुना होगा, जीडीआर सुना होगा, तो ऐसे ही आईडीआर भी होता है। एडीआर जीडीआर एक इंडियन कंपनी इशू करती है, एडीआर जीडीआर कौन इशू करता है, ये इंडियन कंपनी लेकर आती है, लेकिन बाहर के मार्केट के लिए। आईडीआर ना फॉरेन की कंपनी लेकर आती है, बात समझ में आ रही है, वो कह रही है कि भैया इंडिया के मार्केट से हमें पैसा उठाना है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, एडीआर जीडीआर बाहर जा रहे हैं तो सेबी के रेगुलेशन लगे कि बाहर के रेगुलेशन लगे, बाहर के ना, बाहर की कंपनी कह रही है भैया इंडिया के मार्केट से पैसा उठाना है तो उसे हमें सेबी के फुलफिल करने, यहाँ एडीआर जीडीआर नहीं लिखा है, हम पढ़ रहे सेबी के रेगुलेशन आईसीडीआर के किस में लगेंगे, आईडीआर में लगेंगे, आईडीआर में लगेंगे, लॉजिक समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि बाहर की कंपनी इंडिया में आ रही है ना तो इनको सेबी फॉलो करना पड़ेगा, जब यहाँ की कंपनी बाहर जा रही है तो भैया अमेरिका का लॉ कुछ और बोलता है, चाइना का कुछ और बोलता है, ईरान का कुछ और बोलता है, रशिया का कुछ और बोलता है, जो जहाँ जा रहे हो ना वहाँ का लॉ फॉलो करना, बाहर की कंपनी तो यहीं आ रही है ना, इसलिए हम यहाँ बाहर की कंपनी आएगी तो सेबी आईसीडीआर उसे फुलफिल करना पड़ेगा। डिफरेंस समझ में आया, राइट इशू, अरे राइट इशू ये क्या लिखा है, मतलब एक बार इन्वेस्टमेंट आ चुका है तो सेबी के रेगुलेशन, दोबारा आ रहे हो एग्जिस्टिंग शोल्डर से, फॉरेन की कंपनी है तो भैया सेबी के आईसीडीआर फॉलो करने पड़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं सेबी के आईसीडीआर किस किस को कंप्लाई करने हैं, पहली बार आओगे तो, राइट इशू के थ्रू आओगे तो भी। नेक्स्ट, इनिशियल पब्लिक ऑफर कौन लेके आ रहा है, छोटी कंपनीज भी लेकर आती हैं, इनको भी सेबी के रेगुलेशन फॉलो करने हैं। लिस्टिंग ऑन, ये क्या लिखा है, इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, स्टार्टअप वाली कंपनीज लेकर आना चाहती है उनको भी ये फॉलो करना पड़ेगा। बोनस इशू कौन लेकर आ रही है, एक लिस्टेड कंपनी, एक यहाँ की कंपनी कह रही है हम बोनस देंगे तो भैया सेबी के रेगुलेशन, कहीं धोखे तो नहीं कर रहे हो, धोखा तो वैसे ही है और बड़ा धोखा तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। प्रेफरेंशियल इशू, वही अभी प्रेफरेंशियल इशू पढ़ा हमने, ठीक है, प्राइवेटली लोगों को, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को दे रही है, तो फिर एप्लीकेबिलिटी, अब मुझे बताओ कि एप्लीकेबिलिटी समझ में आए, एक्चुअल में इसकी डिटेलिंग है, पढ़ेंगे चैप्टर का ही पार्ट है। जब भी कोई स्टार्टअप कंपनीज आती है उन्हें हम बोलते हैं ये इनोवेटर्स हैं, कोई इनिशिएटिव आइडिया लेकर आकर स्टार्टअप कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। इनके पास एक ऑप्शन होता है, बिना इशू के भी लिस्ट हो सकते हो और इशू लाकर भी, अभी तक हमने नॉर्मल क्या पढ़ा, इशू लाओ लिस्ट हो जाओ, लेकिन स्टार्टअप करने के पास एक ऑप्शन है कि वो बिना मार्केट, जरूरी नहीं है पैसा रेज ही करना है, वो ऐसे भी लिस्ट होना चाहती है अपने नाम को अच्छा करने के लिए, हाँ ये स्टार्टअप कंपनी के पास ऑप्शन है, उनको बहुत कंप्लाइंसेस कम हो जाते हैं, बता रही अब वहां के डिटेलिंग में जाऊंगी ना, रुक जाओ पहले बेसिक समझ लो, हाँ हाँ रुको, तो ऐसे ही स्टार्टअप नहीं होता, रुक जाओ पूरी सारी चीजें बताऊंगी लेकिन पहले बेसिक्स आएंगे, ये गहराई वाली चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पर आया इसलिए मैंने बोल दिया, इन्हें जरूरी नहीं है कि मार्केट से पैसा ही उठाना है तो ही लिस्ट हो, बिना मार्केट से पैसा उठाई भी ये लिस्ट हो सकती है। अब इसकी गहराई में इस टॉपिक में जाएंगे लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें इनके बेसिक समझना बहुत जरूरी है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, पहले बताओ पक्का क्या लिखा है, बताओ जरा, रिपीट नहीं है, क्या होता है आईपीओ एफपीओ, पहली बार आईपीओ, बार बार एफपीओ, इन्होंने बोला सुनो आईसीडीआर बोलता है ईश्वर को कंप्लाई करने पड़ेंगे कुछ कंडीशन आईपीओ लाने के लिए, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं की तो हम आईपीओ नहीं लाने देंगे। अब हो तुम थोड़ा सा विजुलाइज करो, अब अपने आप को डायरेक्टर बोल रहा है इस कंपनी को लिस्ट कराना है, सीएस करो अब जो काम करना है, ये बोलेंगे, तुम लोग बोलोगे कि रुको वेरी 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 इंपॉर्टेंट रेगुलेशन नंबर याद करना पड़ेगा, रेगुलेशन नंबर 5, रेगुलेशन नंबर 5,
रेगुलेशन नंबर 5 याद करना है आपको, ठीक है। सबसे पहली फुर्सत में आप देखोगे क्या ये कंपनी एलिजिबल है या फिर नहीं एलिजिबल, तो इसके दो क्राइटेरियाज है, एलिजिबिलिटी और नॉन एलिजिबिलिटी फॉर दी आईपीओ। अभी आप अनलिस्टेड कहलाओगे क्योंकि आईपीओ लेकर आ रहे हो, डायरेक्टर ने बोल दिया भैया आप लिस्ट करना है, तुम फील करो तुम सीएस हो, फील आ रहा है सीएस वाला, फील आ रहा है नहीं आ रहा है, ले आओ नलाई को, ठीक है। चलो आपको लिस्ट होना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में और आईपीओ लेकर आना है, तो कब आप एलिजिबल हो गए कब आप इनएलिजिबल हो गए। एक बात हमेशा याद रखना, जितनी भी कंपनी लिस्ट है वो बहुत अच्छी रेपुटेटेड कंपनी है, क्योंकि उनकी एलिजिबिलिटी ही क्या है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है ऊपर ऊपर से पढ़ा रही हूँ, उनका नेट टेंजिबल टेंजिबल एसेट समझते हो कितना है, 3 करोड़। उनका एवरेज प्री टैक्स मतलब टैक्स जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं उससे पहले प्रॉफिट कितना है, 15 करोड़ पिछले 3 साल का। आपकी नेटवर्थ कितनी है, पिछले 3 साल में 1 करोड़ दिख रही है। अगर ये तो आप दूसरी चीज है कि अगर कंपनी ने मान लो नाम चेंज किया, क्या कंपनी नेम बदल सकती है, हाँ बदल सकती है, तो अगर उसने नाम बदला है और नाम बदलने के बाद उसने जो नया बिजनेस, क्यों नाम बदला, क्योंकि उसने कोई नया बिजनेस एड ऑन किया, तो उस नए बिजनेस से उसने 50% रेवेन्यू अर्न कर लिया होना चाहिए। इन सब की डिटेलिंग में जाऊंगी, बस अभी मैं आपको क्या समझा रही हूँ, हम अभी ये समझ रहे हैं कि कोई भी एरो गैरो नथु तहरी कंपनी लिस्ट नहीं होती। क्या ये बात समझ रहे हो? लिस्ट होना बड़ी बात है। आपको बींग अ सीएस सबसे पहले क्या देखना है, बैलेंस शीट उठानी है, तो क्यों अकाउंट्स बढ़ा रहे हैं कि भाई बैलेंस शीट बनानी नहीं है, लेकिन जो बन गई है उसे देख के समझ तो आना चाहिए, है ना, इसीलिए इतना अकाउंट्स तो समझना पड़ेगा। अब आप कहोगे जीरो अकाउंट्स बिल्कुल ना पता चले, ऐसा नहीं, सब बढ़िया है, वाह क्या कंपनी है, सभी अच्छा है, नहीं वो काम करते करते हो जाता है। प्रैक्टिकल आर्टिकलशिप में आप 99% चीजें हो जाती है, बस साइनिंग अथॉरिटी नहीं आती है, बाकी पूरा काम वही करो, मैं हूँ सीएस में बोलूँ ये करना है करके, तो मैं तो बस साइन करूंगी, तो तुम ही कर रहे होगे, तो 99% बन जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं सिखाएंगे जैसा हम सिखाते हैं यहाँ, है ना, कि बहुत प्यार से पेन पकड़ के बिल्कुल आओ लिखो, ऐसा नहीं सिखाया जाता है, मार मार के सिखाया जाएगा, ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, ऐसे ऐसे ताने मार मार के तुम खुद से सीख कर आओगे फिर, ठीक है। मजाक कर रही हूँ यार, कोई हाथ से उठाकर काम नहीं सिखाता, ठीक है, स्किल्स होती है धीरे धीरे डेवलप हो जाती है, मत टेंशन लो, ठीक है, बेसिक्स बस क्लियर होने चाहिए। वापस आओ, ऐसी एलिजिबिलिटी है, हाँ रुको, ऐसी इनएलिजिबिलिटी है, इनएलिजिबिलिटी में क्या बोल दिया, तुमको रोक के रखा है, डिबार्ड मतलब रोक के रखा है, तुम्हारी कंपनी ने कुछ फॉल्ट वगैरह किया हो, तुम डिफॉल्टर में आते हो, फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर भगौड़े, है ना, वेरी गुड, अलग से तो इसका एक लॉ ही पास हुआ है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल, इन शॉर्ट यहाँ पर पूरा ही मिट गया यार, चलो छड्डो, इन शॉर्ट वापस वापस वापस, इन शॉर्ट मैं कह रही हूँ कि कोई भी कंपनी ना ऐसे लिस्ट नहीं होती, उसकी ना डिटेलिंग देखनी होती, बस मैंने तुम्हें ऊपर ऊपर से भी बताया, आओ थोड़ी सी डिटेलिंग में घुसो तब मैं डाउट्स समझाऊंगी तुम्हें, डाउट्स आएंगे डिटेलिंग में, रुको इधर, नहीं रेगुलेशन क्या है, रेगुलेशन क्या है 5 और सब रेगुलेशन 1, फिर क्या लिखा है रेगुलेशन 5 का सब रेगुलेशन, जैसे सेक्शन और सब सेक्शन होते ना ऐसे रेगुलेशन और सब रेगुलेशन, यहाँ पे ए बी सी डी, रेगुलेशन 5 का सब रेगुलेशन 1 है, क्लियर है, जो ई वाला पॉइंट है वो क्या है सब रेगुलेशन 2, ठीक, आ जाओ यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, जितना वेरी लगाना है लगा दो, बिल्कुल लिख के अगर तुम्हारा पेन पेंसिल भी टूट जाए तो तोड़ दो, वो इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ क्योंकि बच्चा आप खुद सोचो, इस बेस में तुम लोग लिस्ट करने वाले हो, डायरेक्टर को साफ मना कर देना भैया नहीं हो आप एलिजिबल, तो फिर दूसरा रास्ता भी है, बताऊंगी दूसरा रास्ता, नहीं दूसरा नहीं, दूसरा भी रास्ता है, पहले ए प्लान में जाएंगे, ठीक है आ जाओ, ये क्या है नॉट एलिजिबल की लिस्ट है, नॉट एलिजिबिलिटी, नीचे जाएंगे एलिजिबिलिटी मिलेंगे, तो ये लिखा है ना नेट टेंजिबल एसेट एवरेज प्रॉफिटिंग वो है, ठीक है आ जाओ, पहले नेगेटिव लिस्ट, डायरेक्टर ने आके बोला भैया आईपीओ लेकर आना है, ठीक है, डायरेक्टर ने क्या बोला आईपीओ लेकर आना है, पहले नेगेटिव लिस्ट, देखो ईश्वर, ईश्वर कौन है, कौन है ईश्वर,
कंपनी, या तो कंपनी कॉमा है, कॉमा लगा है, या तो कंपनी का प्रमोटर या फिर कंपनी का पूर्वपुरक प्रमोटर ग्रुप, या तो उसका ये सेलिंग शोल्डर कहाँ से आ गया? एक एफपी फॉर द ऑफर फॉर सेल होता था, ऑफर फॉर सेल मतलब जो पुराना जो शोल्डर है। अगर आपकी कंपनी डिबार्ड है, डिबार्ड मतलब आपको प्रोहिबिट कर रखा, आपको रोक के रखा है, अगर सेबी ने रोक के रखा है किसको? कंपनी को। वापस, अगर कंपनी ने डिबार्ड, सॉरी, सेबी ने डिबार्ड करके रखा है, रोक के रखा है, क्योंकि आपने कुछ लफड़ा किया है जिस कारण से ईश्वर को रोका है, या फिर कंपनी के प्रमोटर को, या फिर उसके ग्रुप को, या फिर वो सेलिंग शोल्डर नलायक जो सेकेंड हैंड शेयर्स बेचने आ रहा था, तो बच्चा आपकी कंपनी, हाँ वो भी नलायक है, ठीक है, भगा देना, फिर उसको सेल करने मत देना, ठीक है। अगर आपका सेलिंग शोल्डर है, इन चारों में से किसी को भी रोका है ना बच्चा, आपकी कंपनी एलिजिबल ही नहीं है इशू लाने के लिए। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। प्रमोटर में कोई सेबी ने नाटक तो नहीं किया कि भैया तुमने कुछ लफड़ा कर रखा है, कुछ उनका मैटर था, उन्होंने अपने खुद के कंप्लाइंस से, तो सेबी ने रोक के रखा है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट, एनी ऑफ द प्रमोटर, आपकी कंपनी का प्रमोटर, पहला पॉइंट क्लियर है बच्चा, आपकी कंपनी का प्रमोटर या फिर क्या लिखा है, डायरेक्टर, प्रमोटर और डायरेक्टर आपकी कंपनी का, इज प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ द अदर कंपनी, और उस अदर कंपनी को डिवाइड करके रखा है। समझ में आ गया? वापस वापस वापस, ये है हमारी आईटेक्स कंपनी, ये आईटेक्स कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है, लेकिन जब सीएस ने देखा कि इस आईपीओ लाने वाली जो कंपनी है, इसका जो प्रमोटर है और इसका जो नलायक डायरेक्टर है, वो एक एक्स वाई जेड कंपनी का भी प्रमोटर डायरेक्टर है, और सेबी ने ना इसे रोक के रखा, भाई तू नहीं जाएगा, तो भाई ये कंपनी आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? कंपनी तो आर्टिफिशियल बॉडी होती, इसका तो खुद का कोई दिमाग नहीं होता, इस पे दिमाग लगाने वाले ना यही नलायक प्रमोटर डायरेक्टर थे। इस कंपनी को तो डुबा चुके हो, इसको भी डुबा देंगे। तो अगर ये कंपनी डिबार्ड है ना, और इसका प्रमोटर डायरेक्टर जहां कहीं भी दूसरी कंपनी है और वो आईपीओ लाने का सोच रही है, तो उसे आईपीओ लाने नहीं दिया जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? समझे कितना क्रॉस कनेक्शन निकालना पड़ेगा तुम लोगों को? तो प्रमोटर डायरेक्टर को पकड़ कर बैठाओ, मीटिंग करो, बता, चिट्ठा निकाल अपना पूरा कि भाई तू कहाँ कहाँ है, कहीं ऐसी किसी कंपनी में तो नहीं फंसा, ठीक है। तो कंपनी अगर डिबार्ड है तो भैया ये आईटेक्स इशू नहीं ला पाएगी। पहला दूसरा समझ में आया, कनेक्टेड था पहला दूसरा। नेक्स्ट, ईश्वर मतलब कंपनी, इसका प्रमोटर, इसका डायरेक्टर कहाँ है? विलफुल डिफॉल्टर, या फिर क्या लिखा है, फ्रॉडुलेंट बोरोवर, दोनों में डिफरेंस समझो। क्या होता है ये विलफुल डिफॉल्टर? जानबूझकर, विलफुल, उसकी प्लानिंग ही थी कि मैं पैसा लूंगा और चुकाऊंगा नहीं। जिस दिन ले रहा था, जिस दिन लोन ले रहा था, उसी टाइम बोल रहा था, जब बैंक उसे पैसा दे रहा था, वो कहता था नहीं दूंगा, मन में बोल रहा था वो ये बात कि भाई मैं तो चुकाने वाला नहीं हूँ, मैं तो बस ले रहा हूँ। तो ये विलफुल डिफॉल्टर की एक्चुअल में एक लिस्ट होती है, विलफुल डिफॉल्टर की एक लिस्ट आती है कि किन किन को डिक्लेयर कर दे ये विलफुल डिफॉल्टर है, उसकी भी एक डेफिनेशन अलग से आती है, ठीक है। हाँ नहीं है, इन्फॉर्म करना पड़ेगा सीएस को, पहले बात ये पता जल्दी चल जानी चाहिए, छुपाया था तो सीएस को फुल प्रूफ देना पड़ेगा कि मेरी नाक के नीचे इसने छुपाया ये सारी चीजें, प्रूफ देना पड़ेगा पूरे टाइम। अभी तो क्या क्या चेक करना है अभी पता चलेगा तुम लोग, अभी क्या ही चेक किया तुम लोगों ने, अभी कुछ चेक नहीं किया है, अभी तो डिटेल में आओ, बहुत है ये, अभी स्टार्टिंग है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी में ना कंप्लाइंसेस ज्यादा होते हैं, ये है वो कंप्लाइंसेस ज्यादा। हाँ हमें तो अपना दिमाग लगाना है ना, हमें तो मालूम है सामने वाला तो झूठी बोलेगा, क्रॉस क्वेश्चन करोगे, उसकी डिटेलिंग निकालोगे, उसकी रिटर्न मंगवाओगे, सारी डिटेलिंग, साइन, वेरी गुड, साइन करवा दो जो तुमने दिया सही दिया है, और ये साइन लेकर पहुंच जाना कि देखो इसने सब किया है, रिटर्न में सारे प्रूफ दिखाने पड़ेंगे, नहीं तो तुम फंस जाओगे। अरे यार क्या करना पड़ेगा, यहां तक चीजें क्लियर है? ईश्वर और क्या लिखा है, ईश्वर के साथ उसका प्रमोटर, उसका डायरेक्टर, विलफुल डिफॉल्टर की जो डेफिनेशन है उसमें कवर नहीं होना चाहिए, उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। फ्रॉडुलेंट बोरोवर, समझ में ही आ रहा है, फ्रॉड करने वाला बोरोवर, दोनों के बीच में और लगाए, तो भैया आपने कभी उधार लिया हो, चुकाया नहीं हो, इन समय अगर आप आते हो
तो हम आपको नहीं आने देंगे, क्योंकि आप जनता के लिए फ्रॉड करने के लिए प्लान कर सकते हो, इसीलिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्या लिखा है, प्रमोटर या फिर डायरेक्टर, किसका? अब इसमें डिफरेंस है, क्योंकि पूरा एक आपने एक्ट पढ़ा है, क्या फ्यूजिटिव ऑफेंडर, ये नया एक्ट है। ईयर क्या है उसका? 2020, जो भी है फ्रेश ही आया है, ठीक है। ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर पड़ा होगा। ये जो ऑफेंडर है, भगोड़ा है, ये विजय माल्या के बाद बहुत ज़्यादा हमारे, है ना, सरकार लग गई थी कि भैया अब तो हमें लॉ बनाना है, क्योंकि बस विजय माल्या नहीं, तुमने मोदी, नीरव मोदी भी सुना होगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से पैसा ले लेके भाग जाते हैं, मतलब इंडिया छोड़ चुके। ये बहुत दिलेर लोग हैं, विलफुल डिफॉल्टर और फ्रॉडुलेंट, ये लोग यहीं बैठे पैसा खा के यहीं बैठे, ठीक है, और ये लोग भाग चुके हैं। ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ा किया है, भागना ही पड़ा, ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा छोटा किया, वो यही है, ठीक है, यही है। तो एक्चुअल में आप इन डिफॉल्टर्स में अगर आते हो, कौन आता है? आपका डायरेक्टर, आपका प्रमोटर आता है, तो आपकी कंपनी आईपीओ नहीं लेके आई, क्योंकि इन्हीं का दिमाग लगेगा ना, तो इसलिए रोक दिया। नेक्स्ट, इफ देर एनी आउटस्टैंडिंग, क्या लिखा है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज बताओ जरा मीनिंग। इक्विटी में कन्वर्ट होगी, डेट इक्विटी में, डेट इक्विटी में कन्वर्ट होगा, प्रेफरेंस इक्विटी में कन्वर्ट होगा, कन्वर्टेबल होता है ना। मान लो कुछ सिक्योरिटीज थी जिसे कन्वर्ट करना है, वो अभी आउटस्टैंडिंग है, तो उन्होंने क्या बोला, पहले कन्वर्ट कर लो, पहले क्या करो, कन्वर्ट, उसके बाद आईपीओ लाने देंगे। तो इन शॉर्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी कंपनी एलिजिबल नहीं है। डायरेक्टर आपको आपको बोलता है आईपीओ लेकर आना है, तो सबसे पहले नेगेटिव लिस्ट देखना है। नेगेटिव लिस्ट में क्या देखोगे, कि कंपनी खुद, या फिर कंपनी का प्रमोटर, या फिर प्रमोटर ग्रुप, या फिर सेलिंग शेयरहोल्डर, सेबी ने इन्हें डिबार ना किया हो, ये चेक करना। दूसरा क्या चेक करोगे, हमारा प्रमोटर डायरेक्टर किसी ऐसी कंपनी में प्रमोटर डायरेक्टर है जिस कंपनी को डिबार कर रखा है, तो भैया फिर आप एलिजिबल नहीं हो। नेक्स्ट क्या है, विलफुल डिफॉल्टर, फ्रॉडुलेंट बोरोवर है, कौन हमारा प्रमोटर डायरेक्टर, तो इन एलिजिबल। या फिर क्या है, फिजिटिव ऑफेंडर, तो इन एलिजिबल। या फिर आपकी कंपनी का क्या है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, अभी आउटस्टैंडिंग, अभी कन्वर्ट नहीं हुआ। यहाँ पे चीज क्लियर है, ए एंड बी, क्या है ए और बी देखो जरा, शेल नॉट अप्लाई, वही डिबार्ड। डिबार्ड इन द पास्ट, सेबी ने डिबार्ड किया था 2023 में, सेबी ने डिबार्ड किया था 2023 में। अब जैसे ही उसने डिबार्ड किया, ठीक है, हम कंपनी जैसे ही डिबार्ड होती है तो उनकी गलतियां रहती हैं, उन गलतियों को पहले ठीक कर दो। सेबी ने रोक रखा ना, कुछ गलत काम किया था, चुका दो पेनल्टी वेनल्टी, कोई दिक्कत नहीं है, सब फाइन वाइन सब चुका दो और ठीक हो जाओ। अगर आप ठीक हो चुके हो, द पीरियड ऑफ द डिबार्ड ऑलरेडी ओवर, कैसे ओवर हो गया होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों को ठीक कर दिया, तो आप क्या करोगे, जिस दिन ड्राफ्ट, अभी आपने समझा ना, ड्राफ्ट ऑफर किसको दे रहे हो, सेबी को, ड्राफ्ट ऑफर सभी को जिस दिन दे रहे हो उस दिन देखा जाएगा। आज मैं देने का सोच रही हूँ, आज मुझे क्या डिबार्ड कर रखा है, नहीं, मैंने चुका दिया सारे, अगर मैं ठीक हो चुकी हूँ तो मैं एलिजिबल हूँ, तो डेट देखी जाएगी। जिस दिन आप सभी को ड्राफ्ट देंगे उस दिन आप डिबार्ड नहीं होना चाहिए। कल आप डिबार्ड थे, ठीक हो चुके हो, ठीक है, आज भी डिबार्ड हो तो आप एलिजिबल हो, जब तक चीज़ें ठीक ना हो जाए। अगर पहले डिबार्ड थे, ठीक हो चुके हो, तो अब आप एलिजिबल। 2023 में डिबार्ड थी, 24 में आईपीओ लेकर आ सकती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, बस वो कह रहे डेट देखी जाएगी, कौन सी डेट देखी जाएगी, कौन सी डेट देखी जाएगी, डेट ऑफ फाइलिंग। आज मैं फाइल कर रही हूँ, ठीक है, मैंने सब चुका दिया, लेकिन अभी हरी झंडी मिली, फॉर्मेलिटी में टाइम लगता है, तो अगर फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई तो आज भी नहीं करूँगी फाइलिंग, रुक जाओ ना फिर फाइल करने के लिए, पहले एक बार पूरी चीज़ें ठीक हो जाए, स्मूथ हो जाए चीज़ें, फिर उसके बाद मैं फाइल करूँगी। बात समझ में आ गई, ए और बी वाला पॉइंट क्या बोलता है, अगर डिबार्ड पास्ट है, पुरानी बात है, ठीक हो चुके हो, सब कुछ ओके है, तो अब आप जा सकते हो। कौन सी डेट से देखा जाएगा, डेट ऑफ फाइलिंग के दिन आपकी पोजीशन देखी जाएगी कि आप डिबार्ड हो कि नहीं, उस दिन अगर डिबार्ड नहीं हो तो आप एलिजिबल, अदरवाइज आप इन एलिजिबल। क्लियर है, पक्का? हाँ, बता रही मैं। एक्चुअल में आपकी जो बुक है, वो अच्छा प्रेजेंटेशन के चक्कर में आधी चीज खा गई है, ये बेरेट की लैंग्वेज, ये दोनों साथ में है, दोनों डिबार्ड की ही बात कर रहे हैं। इसकी लैंग्वेज पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, अदरवाइज रियल लैंग्वेज क्या है, इसमें भी लिखा है डिबार्ड और लोग आधा खा चुके हैं, आधा यही वाला है कि डिबार्ड फ्रॉम एसेसिंग द कैपिटल मार्केट बाय द सेबी, ये इसी में कॉपी पेस्ट है, ये इधर लिखना भूल चुके हैं। हाँ बोल, डायरेक्टर डिफॉल्ट क्या है, ये तो मैंने बोला, ये देखो, और दोनों के बीच में और है ना,
ठीक है, तुम इस डायरेक्टर की बात कर रहे हो, ये जो डायरेक्टर है यहाँ एक्स वाई जेड में था, कंपनी को डिवाइड किया है। हाँ, तो ये कंपनी तभी तो दूसरा पॉइंट बनाई है। वापस पहला पॉइंट क्या कह रहा है, यही प्रमोटर डिबार्ड है तो आईपीओ आईटेक्स नहीं लाई, ठीक है, यही है, या तो आईटेक्स को डिबार्ड किया है, यही है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, किसको डिबार्ड किया है, एक्स वाई जेड को डिबार्ड कर रखा है, इसमें ये प्रमोटर डायरेक्टर है और यही प्रमोटर डायरेक्टर किसमें है, आईटेक्स में, आईटेक्स आईपीओ लाना चाहती है, आईटेक्स आईपीओ लाना चाहती है और प्रमोटर डायरेक्टर जिस कंपनी में है वो कंपनी डिबार्ड है। क्या डिफरेंस समझ पा रहा है क्या? हाँ, नहीं ला सकते ना। अच्छा, सिंगल डायरेक्टर, हाँ सिंगल डायरेक्टर बोल रहा है ना तू, नहीं ला सकते हो, एलिजिबल हो, हाँ, एलिजिबल है, वो क्लियर है, ठीक है, समझ गई, तेरा डाउट नहीं समझी थी मैं, समझ में आ गया, चलो यहाँ तक चीजें क्लियर है। अभी ई पॉइंट क्या बोल रहा था, पहले मुझे ये बताओ, ई पॉइंट क्या बोल रहा था, लास्ट वाला पॉइंट, अगर आपका कुछ भी कन्वर्जन है तो पहले उसे फुलफिल करो। हमने ईसॉप पढ़ा है, फुल फॉर्म बताओ ईसॉप का, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम एक शेयर का लालच रहता है जो एम्प्लॉय को दिया जाता है कि भैया लंबे समय तक तू रहे, 3 साल तक मेरी कंपनी में काम कर, मैं तुझे शेयर्स दे दूंगा, तुझे ओनर बना दूंगा, यही है। अब पहले साल हुआ, दूसरे साल में कंपनी का मन हुआ चलो आईपीओ लेकर आते हैं, ये कब जाकर इक्विटी इनको मिलने वाली है, 3 साल में मिलेगी। अब इन्होंने कहा भैया इसके लिए रुकने की जरूरत नहीं है। अभी हमने ई पॉइंट क्या पढ़ा, जो भी चीजें कन्वर्ट होने वाली थी, आउटस्टैंडिंग है, कन्वर्ट करो, आईपीओ लाने नहीं देंगे, कन्वर्ट हो जाएगा फिर आईपीओ लाना। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन कौन सी फंसती है, इसॉप वाली, तो इसॉप के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। मतलब पहले मैं इसॉप लेके आई 2000 में, 2000 में मैं क्या लेके आई हूँ, इसॉप। इसॉप बोलता है, एग्जाम्पल ले रही हूँ, 5 साल, इसॉप बोलता है 5 साल बाद आपको शेयर्स मिलेंगे, अभी ये आउटस्टैंडिंग है, अभी क्या ये आउटस्टैंडिंग रोक के रखा है ना, मिलेंगे कब, 5 साल बाद। 2001, 2002, 2003, 2004, ये 5 साल बाद मिलेंगे। कंपनी का मन बना भैया 2001 में ही आईपीओ लाने का, तो आईपीओ की शर्तें अभी हमने पढ़ी, आईपीओ साफ क्या बोलता है, अभी इनएलिजिबल हो, जो भी कन्वर्ट करना है रुक जाओ, तो भैया क्या ये 5 साल तक रुकेगा, नहीं, इसॉप एक एक्सेप्शन है, जनरल रूल, सारी चीजों को कन्वर्ट करो फिर आईपीओ लेकर आओ। किसको कन्वर्ट करना है, डिबेंचर फंसा है तुम्हारा, कन्वर्ट करो, प्रेफरेंस बचा है फंसा है तुम्हारा, कन्वर्ट करो, जितने भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है पहले कन्वर्ट होगा फिर आईपीओ लेके आएगा। लेकिन अगर इसॉप फंसा है तो इसका कन्वर्ट करने का वेट नहीं करना है, आप 2001 में ही आईपीओ लेकर आ सकते हैं, जब 2004 आएगा, जब 2004 आएगा तो उस टाइम पे आप इसॉप लेकर आना और फिर शेयर्स को लिस्ट कर देना। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, आओ एक बार रीड करो लैंग्वेज। आउटस्टैंडिंग ऑप्शन ग्रांटेड टू एम्प्लॉय वेदर करंट एम्प्लॉय और नॉट, जो भी है इसॉप के तहत, वो इतनी रूल्स रेगुलेशन के साथ उन्होंने बताया, ये क्या लिखा है, नॉट एप्लीकेबल, सेक्शन रेगुलेशन 5(1) और 2 जो ऊपर हमने पढ़ा ना, वो एप्लीकेबल ही नहीं है इसमें। इसका मतलब क्या है, जनरल रूल का ये क्या हो गया, एक्सेप्शन। वैसे सारे शेयर्स को कन्वर्ट कर बात करना आईपीओ की, ये कह रहे भैया इसॉप में बिना कन्वर्ट किए भी बात कर सकते हो, आईपीओ ले आओ। पहला समझ आए, दूसरा कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्या लिखा है पढ़ो, फुल्ली आउटस्टैंडिंग जो था उसे फुल्ली कर दो कन्वर्ट। हमने क्या बोला, कन्वर्ट बचा है, आईपीओ ले आए, ला सकते नहीं ला सकते, कन्वर्ट नहीं हुआ है, आईपीओ ला सकती हूँ, नहीं ला सकते, फुल्ली कर दो ना कन्वर्ट, खत्म ना, फुल्ली पेड आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी को ऑन एंड बिफोर कब, डेट ऑफ फाइलिंग दी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या फिर प्रोस्पेक्टस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जिस दिन प्रोस्पेक्टस फाइल कर रहे हो उस दिन पूरी की पूरी पेमेंट कर दो, सॉरी पूरी की पूरी कन्वर्जन कर दो, कन्वर्ट कर दोगे तो आप ला सकते हो ना, तो ये क्या कोई एक्सेप्शन है, ये तो कन्वर्ट ही करने वाली बात है ना, तो एक्सेप्शन इकलौता है, लेकिन हाँ दोनों बातें आपको बतानी पड़ेगी। अगर शेयर कन्वर्ट नहीं किया हम आईपीओ नहीं लाने देंगे, बिना कन्वर्ट किए भी हम आईपीओ लाने दे देंगे। पहला कब, पहला कब, इस ऑप के केस में, दूसरा फुल्ली कन्वर्ट कर दो तब। बात समझ में आ गई, पक्का पक्का पक्का। तो ये थी सारी चीजें जो अभी हमने पढ़ी, एक बार फटाफट रिवीजन, नहीं पढ़ा रही हूँ, रिवीजन करके ही छोड़ूंगी, चलो फटाफट। हमने चैप्टर स्टार्ट किया, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इशू। सबसे पहले हमने पढ़ा कितने टाइप होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, पब्लिक इशू, पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू,
प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक इश्यू के दो थे, पहला आईपीओ, दूसरा एफपीओ। आईपीओ के अंदर दो थे, फ्रेश और ऑफर फॉर सेल। क्या ऑफर फॉर सेल समझ में आ रहा है? ठीक है, फ्रेश एकदम नया शेयर आएगा, बैलेंस शीट में आपका कैपिटल बढ़ने वाला है। ऑफर फॉर सेल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक फैसिलिटी दी जा रही है कि तुम मार्केट में ऐसा बेच सकते हो। फिर हमने प्राइवेट प्लेसमेंट के दो टाइप पढ़े। प्राइवेट प्लेसमेंट के कितने टाइप? दो, एक होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, सिलेक्टेड लोगों को दिया। दूसरा क्या होता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम। आगे चल के अगर प्रोग्राम भी लिखा तो समझ जाना सेम ही होता है। ठीक है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट मतलब QIB है अगर सिलेक्टेड ऑफ लोग हैं तो, यस उसे हम ये बोलते हैं। ठीक, फिर हमने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट समझा। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एक ऑफर डॉक्यूमेंट होता है जिससे आप क्या करते हो? सेबी से चेक करवाते हो। आप फाइनल वाला ROC को स्टॉक एक्सचेंज को दोगे, उससे पहले 30 दिन पहले सेबी को चेक कराओ। सेबी के पास जाएगा तो सेबी क्या करता है? 21 डेज के लिए अपनी वेबसाइट में डालता है फॉर दी पब्लिक कमेंट। ठीक है, कमेंट आएंगे तो वो सुनेगा, फिर उसके आगे की लंबी प्रोसेस है, आगे चल के पढ़ेंगे। फाइनल हो गया है, ROC को दे दो। रिडंडेंट प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? इनकम्प्लीट, जिसमें प्राइस क्वांटिटी नहीं लिखी जाती। ये एक तरीके से प्राइस डिस्कवर एक मेथड होती है, प्राइस डिस्कवरी या फिर बुक बिल्डिंग प्रोसेस। आपको टेक्निकल वर्ड बहुत ज्यादा दिखेगा, बुक बिल्डिंग प्रोसेस आपको दिखेगी। इसमें हम प्राइस को डिस्कवर करते हैं। मैंने एग्जांपल 100 और 120 का दिया। मैंने आपको प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है ये भी अभी शॉर्ट में बता दिया, डिटेल में प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, चलिए फिर, ये हिस्ट्री थी, इन सबको स्किप करना है, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। इच्छा होगी तो पढ़ लेना, इच्छा होगी तो पढ़ लेना, डाउट आएगा तो पूछ लेना, अदरवाइज मेरा रिकमेंडेशन है नहीं पढ़ना। फिर हमने पढ़ा एप्लीकेबिलिटी, सेबी ICDR किस किस में लगेगा, ये पूरी लिस्ट हमने पढ़ी। ठीक है, राइट इशू, मैं 15 करोड़ का इशू लेकर आ रही हूँ, राइट इशू क्या लगेगा, क्या 15 का ला रही हूँ, 15 और 50 में डिफरेंस है, याद रखना। ठीक है, बोलते वक्त तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, चलिए फिर हमने पढ़ा कि एक एलिजिबिलिटी होती है और एक इनएलिजिबिलिटी होती है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? इनएलिजिबिलिटी। ठीक है, रेगुलेशन नंबर मुझे याद चाहिए, रेगुलेशन 5 का सब रेगुलेशन 1 एंड सब रेगुलेशन 2। सब रेगुलेशन 1 चार बातें बोलता है। पहला बोलता है प्रमोटर, इश्यूअर, प्रमोटर ग्रुप और सेलिंग शेयरहोल्डर, सेबी ने डिबार्ड ना किया, या फिर कंपनी का प्रमोटर और डायरेक्टर। ऐसी कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर है जिसको डिबार्ड कर रखा है तो भैया ये वाली कंपनी नहीं लेकर आएगी। नेक्स्ट क्या बोला? कंपनी, उसका प्रमोटर, उसका डायरेक्टर, तीन लोग है, कंपनी, प्रमोटर, डायरेक्टर, विलफुल डिफॉल्टर और फ्रॉडलेंट बोरोवर। नेक्स्ट क्या बोल दिया? प्रमोटर डायरेक्टर क्या है? फिजिटिव, भागने वाले हैं, है ना, कंपनी तो भाग नहीं सकती, प्रमोटर डायरेक्टर ही भाग रहे हैं। और सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? अगर कोई भी सिक्योरिटीज आउटस्टैंडिंग है, कन्वर्ट अभी नहीं हुई है, तो पहले कन्वर्ट फिर आईपीओ, हम आईपीओ नहीं लाने देंगे। लेकिन ए और बी में उन्होंने बोला जो डिबार्ड करने वाली बातें थी, ये डिबार्ड ठीक हो चुका है, सेबी ने हरी झंडी दे दी है, तो यस आप लेके आ सकते हो। ये डेट कौन सी देखी जाएगी, किस दिन आपका स्टेटस देखा जाएगा? जिस दिन सेबी को फाइल करोगे ड्राफ्ट। ठीक है, चलिए फिर हमने नॉन एप्लीकेबिलिटी पढ़ा। हमने कहा भैया इसो आपके केस में रुकने की जरूरत नहीं, आईपीओ लेकर आ सकते हैं और फुल्ली कन्वर्ट कर दो, दैट्स इट। समझ में आया? कल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इसी का पार्ट है अभी, इसमें हम प्लस प्रैक्टिकल चीजें भी देखेंगे कि कैसे बैलेंस शीट देख के कैलकुलेट किया जाता है। आज की सभा समाप्त।